मूना होती है ना, क्या last time we had started the new chapter that is Gupta dynasty. Thoda hum revise kar lete 5-10 minute mein. So this Gupta dynasty starts from 320 to 550 AD, that is the time period of Gupta dynasty. The first ruler of this Gupta dynasty was Chandragupta first, second was समुद्रगुप्त एंड थर्ड वॉज चंद्रगुप्त सेकंड. उसके बाद भी कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त वगैरह आए थे. सो इफ यू कंपेयर द रीजन और एरिया विद द मगध एम्पायर, सो गुप्त एम्पायर वॉज समवॉट स्मॉलर इन साइज. जो हमने जैसे मैप में आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि मगध हैड ह्यूज एम्पायर, इट हैड कवर्ड ह्यूज एरिया. Comparatively, Gupta had a comparatively very small area. Basically, it comprised of northwest and north region, or mostly Gangetic region. And below that, below the Gupta Empire, there was a Vakatak Empire or Vakatak Kingdom. जो हमारा जो area है, हम जिस area में रहते हैं, that was ruled by वाकाटक, हुज कैपिटल वॉज, हाँ इट वॉज लोकेटेड नियर टू द रामटेक. एक्चुअली उनको दो कैपिटल थी, तो एक कैपिटल इट वॉज लोकेटेड नियर टू द रामटेक, रामटेक के पास वो कैपिटल है. वी हैड डिस्कस द पॉलिटिकल नगरधन करके नाम था जो रामटेक के पास है, दैट वाज वन कैपिटल. देन वी हैड आल्सो डिस्कस द पॉलिटिकल नेचर ऑफ अ गुप्त डिनेस्टी, कि गुप्त डिनेस्टी का पॉलिटिकल नेचर कैसे था या पॉलिटी कैसे थी. सो ऑब्वियसली लाइक मगध, किंग हैड द एब्सोल्यूट पावर. जो किंग था उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स थे, ही वॉज द सोल डिसीजन मेकर इन ऑल अफेयर्स. देन द होल किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंसेस है उसमें वो डिवाइड हुआ था. एंड मोस्टली दिस प्रोविंशियल गवर्नर वेर रिलेटेड टू द किंग्स, वेर रिलेटेड टू द ब्लड फैमिली और रॉयल फैमिली, उससे वो रिलेटेड होते थे. एंड अगेन दिस प्रोविंशियल गवर्नर वे आर अगेन कंट्रोल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द प्रोविंशियल लेवल. वो भी हमने देखा था बाद में कि समुद्रगुप्त हुए हैड लॉन्च्ड हिज इन्वेजन इन साउथ इंडिया, कि वहां से उसने पाटलिपुत्र से निकला था, ही रीच टू द साउथ इंडिया, देन डिफीटेड ऑल दीज रूलर्स इन हिज रूट, देन वेंट टू द गुजरात एंड देन अगेन केम बैक टू पाटलिपुत्र. एंड दैट वे he had conquered, but
He had defeated the South Indian rulers, but he had not conquered the whole territory. He had just he was satisfied with getting the tributes from the defeated rulers. कि जो defeated rulers थे, उनसे वो tributes ले लेता था. But he had not actually annexed the whole territory. जो territory है South India की, वो उसने annex नहीं की थी या अपने control में नहीं ली थी. He was satisfied with getting the tributes. And उनसे कुछ वो जुर्माना या हर्जाना हम बोल सकते हैं वो ले लेता था वो. और उस तरह से he had expanded his empire. इसलिए हम देख सकते हैं कि जो एम्पायर था उसका साउथ इंडिया में नहीं दिखता वो एम्पायर, बिकॉज ही वॉज जस्ट गेटिंग द ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द डिफीटेड रूलर्स. सो ये भी मैंने आपको बताया था कि ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया. समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बट बेसिकली दैट इज अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन. जो डिस्क्रिप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि समुद्रगुप्त हैड नॉट और जो हम बोल सकते हैं कि नेपोलियन वॉज डिफीटेड वंस इन हिज लाइफ टाइम. नेपोलियन वॉज नेवर डिफीटेड. तो लेकिन हिस्ट्री वॉज रिटन बाय द इंग्लिश हिस्टोरियन, सो दैट वे दे हैड डिस्क्राइब्ड समुद्रगुप्त. वो भी हमने देखा था कि बिलो द गुप्त डिनेस्टी देर वॉज अ वाकाटक एम्पायर. एंड गुप्त डिनेस्टी एंड वाकाटक डिनेस्टी हैड द मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप. चंद्रगुप्त सेकंड हैड वन डॉटर हुज नेम वॉज प्रभावती गुप्ता. चंद्रगुप्त सेकंड की जो वाइफ लड़की थी उसका नाम प्रभावती गुप्ता था. एंड शी मैरिड टू द रूलर ऑफ वाकाटक डिनेस्टी. एंड अनफॉर्चुनेटली द हस्बैंड ऑफ प्रभावती गुप्ता डाइड एट अ वेरी यंग एज. सो चंद्रगुप्त प्रभावती गुप्ता रूल्ड ओवर द वाकाटक डिनेस्टी विद द हेल्प ऑफ हिज फादर चंद्रगुप्त सेकंड. एंड दैट वे वी फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड और गुप्त डिनेस्टी ओवर द वाकाटक डिनेस्टी. तो बेसिकली ओवरऑल दिस गुप्त डिनेस्टी इट वॉज अ लूज फेडरेशन. फेडरेशन का मतलब पता है आपको अभी? फेडरेशन का मतलब पता है? इंडिया इज अ फेडरल स्टेट बोलते हैं, और वी कॉल इट अ क्वासी फेडरल. वी कॉल इट अ क्वासी फेडरल. तो कैसे कि दिस महाराष्ट्र इज वन स्टेट. महाराष्ट्र इज अ वन स्टेट, गुजरात इज अनदर स्टेट. तो अलग अलग स्टेट्स है. एंड दिस स्टेट हैड सर्टन ऑटोनॉमी. दिस स्टेट्स हैड सर्टन ऑटोनॉमी. कैसे कि वी हैव स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो स्टेट लिस्ट में जो भी ये आते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ. तो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड वी हैव द क्वासी फेडरल. वैसे इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वर्ड इज नॉट यूज. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरलिज्म इज नॉट यूज. वी यूज इट बिकॉज ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक. तो उसी तरह से उसको हम फेडरेशन बोलते हैं. इंडिया इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फेडरेशन. कि जो तो लाइक दैट दिस गुप्त डिनेस्टी इट वॉज ऑल्सो हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लूज फेडरेशन. यानी कैसे कि दो ऑल द पावर्स वेयर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त उनके हाथ में थे, लेकिन एट द सेम टाइम सम ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू द प्रोविंशियल गवर्नर. देन वी हैड ऑल्सो डिस्कस द इकोनॉमी. कि हमने इकोनॉमी भी डिस्कस किए थे. कि बेसिकली हमने देखा था कि सातवाहन रूलर्स दे वेयर द फर्स्ट टू इशू द लैंड ग्रैंड्स. कि उन्होंने लैंड ग्रैंड्स इशू किए थे और दे वेयर डोनेटिंग द लैंड टू द ब्राह्मण्स. तो उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स थे, कुछ रिलीजियस रीजन्स थे. नाउ द सेम वॉज फॉलोड बाय द गुप्त डिनेस्टी लेटर ऑन. क्योंकि समुद्रगुप्त यहाँ पे जब जो सातवां डिनेस्टी के बाद मेजर डिनेस्टी इमर्ज दैट वॉज द गुप्त डिनेस्टी. सो देर वॉज अ कंटिन्यूटी इन द लैंड ग्रैंड्स. तो सातवाहन हैड वेयर डोनेटिंग द लैंड टू द ब्राह्मण्स, मोस्टली द ब्राह्मण्स. द पर्पज क्या था ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करने का? वेरी गुड. तो बेसिकली वन पर्पज वॉज टू एक्सपांड द एग्रीकल्चर लैंड. जो एक पर्पज क्या था कि ब्राह्मण्स को लैंड क्यों देते थे? तो बेसिकली
सातवन वी आर डोनेटिंग द लैंड टू द ब्राह्मण्स टू मेक द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना, दैट वॉज वन ऑब्जेक्टिव. सिमिलरली क्योंकि कैसे कि ब्राह्मण्स दे हैड द स्किल ऑफ और दे हैड द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो एक पर्पज था. सेकेंड पर्पज, दे डिड नॉट हैव द मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू कलेक्ट द टैक्सेज. सो ऑब्वियसली एज दे हैड डोनेटेड द लैंड टू द ब्राह्मण, सो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू कलेक्ट द टैक्सेज. ये ब्राह्मण वो टैक्स कलेक्ट कर लेते थे एंड सम पोर्शन वॉज गिवन टू द किंग. तो इस तरह के कुछ फायदे थे. तो बिकॉज ऑफ दिस सातवाहन हैड इंट्रोड्यूस दैट प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स. सो सेम प्रैक्टिस वॉज कंटिन्यूड बाय द गुप्त डिनेस्टी आल्सो. बट यहाँ पे फर्क हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम फर्क देखते हैं कि सातवाहन वी आर गिविंग द लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स ओनली. नाउ गुप्त वी आर डोनेटिंग द लैंड, बट दैट लैंड वॉज गिवन नॉट ओनली टू द ब्राह्मण्स, बट इट वॉज गिवन टू द अदर पीपल ऑल्सो. इंडिविजुअल है, कोई ऑफिसर्स है, किसी को भी वो लैंड देते थे. दूसरा एक जो उसका जो डिफरेंस था कि हमें जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं रिगार्डिंग द लैंड ग्रांट्स, तो गुप्त हैड डोनेटेड द लैंड बट दैट लैंड वॉज नॉट बिलोंग टू द गैंगेटिक रीजन. गैंगेटिक रीजन में वो लैंड थी वो उन्होंने कभी डोनेट नहीं की थी. मोस्टली डोनेटेड लैंड belongs to the peripheral region of the Gupta dynasty. जो peripheral region है, outer region है Gupta dynasty का, वही की land उन्होंने वो दिए थे. तो again purpose was to increase the expansion of agriculture. ये कैसे कि जो Gangetic region की जो land है, जो उनका जो core region था Gupta dynasty का, it was highly fertile region. There was no need to give the land to the Brahmins or to make it a more agriculture, क्योंकि already वो agriculture में थे. तो उनका जो peripheral region है which was not under the agriculture cultivation, so that land was donated to the Brahmin as well as other people. So that is the difference between Satvan and Gupta regarding the land grants. Then we had also discussed the two terms Agraha and Brahmadeya. Brahmadeya वो भी मैंने आपको difference बताया था. Then we had also discussed about the economy, कि गुप्त की जो economy कैसे थे. तो basically हम देखते हैं कि in a course of a time, there was gradual decline in the economy. गुप्त had issued the largest number of silver coins. गुप्त had issued the largest number of silver coins उन्होंने issued किए थे. तो जो उन्होंने कॉइन्स इशू किए थे, तो दे हैड इमिटेड द इंडो ग्रीक कॉइन्स. ये हमने इंडो ग्रीक कॉइन्स के बारे में देखा था. व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडो ग्रीक कॉइन्स? इंडियन गॉड्स, वेरी गुड. देन second characteristic, that coins of Indo-Greeks, they had definite value. They had the definite value. यानी कि वो पता चलता था उसके पहले के coins, they do not have the definite value. ये उनकी जो value थी वो definite थी. यानी कैसे कि वो पता चलता था कि ये इसकी value ये है. उसके पहले के जो coins थे उनकी वो definite value हमें पता नहीं चलते थे. तो definite value पता चलते थे. तो इस तरह से कुछ characteristic थे. तो वही कैरेक्टरिस्टिक दिस वेर इमिटेटेड बाय द गुप्त डिनेस्टी एंड द गुप्त डिनेस्टी वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स. तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने गोल्ड कॉइन्स क्यों इश्यू नहीं किए? व्हाई डिडंट दे मिंट द गोल्ड कॉइन्स? दे हैड मिंटेड द सिल्वर कॉइन्स. द रीजन वॉज सिंपल, देर वॉज अ डिक्लाइन इन द ट्रेड. सो दे डिड नॉट हैव द सफिशियंट गोल्ड टू मिंट द कॉइन्स. कि उनके पास कैसे कि बेसिकली वी डिड नॉट हैव द गोल्ड माइंस. इंडिया में गोल्ड माइंस कभी नहीं थे. इंडिया में गोल्ड माइंस नहीं, तो बेसिकली वी वेर गेटिंग द गोल्ड बाय एक्सपोर्टिंग. तो हम जो भी एक्सपोर्ट करते थे तो वी वेर गेटिंग इन रिटर्न द गोल्ड एंड दैट गोल्ड वॉज यूज इन मिंटिंग द कॉइन्स. बट बाय द पीरियड ऑफ गुप्त डिनेस्टी देर वॉज डिक्लाइन इन द ट्रेड. ट्रेड डिक्लाइन हुआ था, क्या हुआ कि वी आर नॉट गेटिंग द गोल्ड इन अ सफिशियंट क्वान्टिटी. So we were not able to mint the gold coins. So Gupta had shifted from
gold to the silver coins. They minted the silver coins in the large number. So basically, particularly during this period, in a course of a time, there was a gradual decline in the economy. जैसे हम economy decline होते देखते हैं कि जैसे मैंने आपको last lecture में बोला था कि Gupta dynasty is also called the golden age period in Indian history. So we call it a golden age in Indian history, not because of the economy. This period is also described as a golden age in Indian history. So golden age in Indian history, it is not because of economy. Basically, economy was declining gradually. So we call it a golden age in the context of a literature, art, architecture. इसके context में उसको golden age बोलते हैं. तो यहाँ तक हमने last lecture में discuss किया था in detail. Now we discuss the other aspects of a Gupta dynasty. So we discuss the social and religious aspects of a Gupta dynasty, or from 320 to 550 AD. So basically, ये जो period में हम देखते हैं कि there was a revival of Brahminism or revival of Hinduism. This period is also having the characteristic of revival of Hinduism or revival of Brahminism. अभी revival of Brahminism क्यों हुआ? Can you guess? कि there was a revival, कि हमने जैसे discuss किया था, पहले भी बताया था कि there were two prominent ideology in India by that period. One was Brahminism and second was Buddhism. There were these two from 600 BC onwards. From 600 BC onwards, or after the emergence of Buddhism, there were two dominant ideology, religious ideology in India. One was Brahminism and second was Buddhism. और हमने देखा है वो कि sometimes Buddhism was prominent, sometimes Brahminism was prominent. कि जैसे for example during the period of Maurya or during the period of Ashoka, Buddhism was a very prominent ideology. But later on, this Maurya dynasty was destroyed by one Brahmin ruler. So again, Brahminism became dominant. So हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं both were having the race to dominate the Indian society. कि कहीं ना कहीं वो race में थे और वो fight करने की कोशिश कर रहे थे, conflict चल रहे थे उनमें. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि by the period from 300 AD onwards, again Brahminism started to revive और इसका importance बढ़ने लगा. हमने इसके पहले भी देखा था कि this Indo-Greeks were not influenced by the religion of India. They were not influenced by Brahminism or Buddhism. They had their own distinct culture, distinct religion. So they were not that much influenced by the Hinduism or Brahminism or Buddhism. लेकिन उसके बाद कौन आए थे? शक आए थे, कुशन आए थे. They did not have their own ideology. They did not have their own culture. They did not have their own script. So they had easily assimilated in the Indian society. They had easily accepted Brahminism. They had easily accepted the Buddhism. हमने वो देखा था कि जैसे शक, they had branched out in five different areas, और they had adopted the Brahminism. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि they had easily assimilated in the Indian society or mixed in the Indian society because they did not have their distinct culture. उनको वो डिस्टिंक कल्चर नहीं था, तो कैसे कि उन्होंने वो इजीली एक्सेप्ट कर लिया था. तो हम देखते हैं कि इवन ड्यूरिंग द दिस जो पीरियड हमने डिस्कस किया था, इंडो ग्रीक पीरियड, शक पीरियड, कुशन पीरियड, इवन दैट टाइम ब्राह्मणिज्म, और जब देखते हैं हमने भक्ति मूवमेंट्स वगैरह डिस्कस किया था कि दे हैड इजीली एक्सेप्ट. रुद्रदमन हु वाज अ शक रूलर रूलिंग ओवर द कर्नाटक दैट गुजरात रीजन. He had also performed the rituals, sacrifices उसने ये किए थे. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि there were two dominant ideology, and both ideology in the course of a time, Buddhism enters into the Central Asia, and this Brahminism enters into the Southern India. या जैसे हमने discuss किया था Aryanization. तो इस तरह से एक पता चलता है कि these two ideology, they were the prominent ideology and they were trying to dominate the Indian society. So इसी time पे हम देखते हैं कि from 300 AD onwards, there was a revival of Hinduism. Hinduism revival होने लगा. तो ऐसे क्या factors थे that
supported the revival of Hinduism or Brahminism? कुछ आप गेस कर सकते हो? हाँ बोलो। सर मे बी इन्फ्लुएंस ऑफ आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जो शंकराचार्य है वो अराउंड 800 और 700 एडी के बाद आए, जो शंकराचार्य हम बोलते हैं तो अद्वैत वेदवागर, वो 700 के बाद में, और बेसिकली ही केम फ्रॉम द साउथ इंडिया, तो वहां पे तो ये नहीं था। यानी तो एक रीजन ही हो सकता है कि बेसिकली हम देख सकते हैं कि बुद्धिज्म डिड नॉट गेट दैट मच रॉयल सपोर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कैसे कि चंद्र गुप्त डिनेस्टी दे हैड सपोर्टेड द ब्राह्मणिज्म, दे हैड सपोर्टेड द ब्राह्मणिज्म, हमें रेफरेंस नहीं मिलते हैं, रेफरेंस ऐसे नहीं मिलते कि दे वेयर सपोर्टिंग टू द बुद्धिज्म। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जो रिलीजन था कि जो बुद्धिज्म did not get that much royal support, कि और नॉर्थ गंगेटिंग में उतना ज्यादा नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्षवर्धन had supported the Buddhism, but particularly during this period from 300 to 600 AD का जो पीरियड हम देख सकते हैं कि बुद्धिज्म और दिस monk of Buddhist religion they were not able to get the royal support or big royal support, तो शायद एक हो सकता है तो automatically Brahminism got the opportunity to enter into that space and got the royal support. जैसे we got the reference that Samudragupta had performed the ritual sacrifices. तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं Brahminism became the dominant ideology during this period. Similarly, there was also the worship of other religion. कि जैसे शक्ति एक cult emerge हुआ. The that cult that is called the Shakti emerged in the Brahminism. देन सिमिलरली जो बुद्धिज्म में भी एक कल्ट इमर्ज हुआ, वो क्वालिटी था तांत्रिक कल्ट, तांत्रिज्म बोलते हैं हम, कि इस तरह के अलग अलग सबसेक्ट्स भी इमर्ज होने लगे विद इन बुद्धिज्म एंड दैट ब्राह्मणिज्म। तो बेसिकली देर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ अ डिफरेंट कल्ट और सेक्ट, ये जो कल्ट है या सेक्ट्स है वो इमर्ज होने लगे बाय फ्रॉम 300 AD ऑनवर्ड्स। कि जैसे आप देखते हैं कि वर्शिप ऑफ शक्ति या तांत्रिज्म, एंड सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जैसे बुद्धिज्म एक रीजन हम देखते हैं कि देर वॉज अ डिटीरियोरेशन इन द बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म में डिटीरियोरेशन होने लगा या डिक्लाइन होने लगा, एक रीजन हो सकता है कि न्यू कल्ट्स और न्यू सबसेक्ट्स इमर्ज इन द बुद्धिज्म। कि जैसे तांत्रिज्म, कि तांत्रिक आपने नाम सुना होगा, तो दैट स्टार्टेड टू इमर्ज इन द बुद्धिज्म, एंड कैसे कि दिस तांत्रिक और तांत्रिज्म दे वर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स इन द आइसोलेशन, आइसोलेशन में करते थे, लोगों से वो मिक्स नहीं होते थे, एंड ऑटोमेटिकली दैट लेड टू द डिटेरियोरेशन इन द बुद्धिज्म। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली पीरियड हम देख सकते हैं कि इमर्जेंस ऑफ शक्ति कल्ट। तो बेसिकली शक्ति कल्ट क्या था, कोई बता सकता है शक्ति कल्ट क्या था? तो बेसिकली इन द शक्ति कल्ट दिस पीपल वी आर नाउ वर्शिपिंग द फीमेल गॉडेस, दे वी आर वर्शिपिंग द फीमेल गॉडेस लाइक उमा वॉज द वाइफ ऑफ अ शिव। उमा वॉज या विष्णु की वाइफ कौन थी? लक्ष्मी। तो ये जो जो गॉड्स है सरस्वती, तो जो गॉड्स है हु वेयर द, तो बेसिकली इस टाइम पे हम देखते हैं कि दे वेयर वर्शिपिंग द फीमेल गॉडेस। हम देखते हैं कि इफ यू सी द ऋग्वेदिक पीरियड, इन ऋग्वेदिक पीरियड दे वेयर आल्सो फीमेल गॉडेस बट दे डिड नॉट गेट दैट मच प्रोमिनेंस और इम्पोर्टेंस इन द ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड हम देखते हैं कि फ्रॉम 1500 टू 600 BC का पीरियड देख लो, देर वेयर द फीमेल गॉडेस, फीमेल गॉडेस के रेफरेंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उषा, उषा वॉज द फीमेल गॉडेस इन द वैदिक लिटरेचर, बट उसका डिस्क्रिप्शन कैसे है कि शी वॉज अ फीमेल गॉडेस बट शी वॉज रेप्ड बाय द इंद्र। तो
हम ऐसा एक पता चलता है कि देर वेर द वुमन गॉडेस फीमेल गॉडेस इन द ऋग्वेदिक लिटरेचर और वैदिक लिटरेचर बट दे डिड नॉट हैव दैट मच सिग्निफिकेंस प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस. बाद में हम देखते हैं कि दिस बुद्धिज्म फ्रॉम 600 BC बुद्धिज्म वगैरह वहां पर भी हमें फीमेल गॉडेस का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखता. फीमेल गॉडेस हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखता. इवन इन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड ऑल्सो देर वेर नो रेफरेंस ऑफ अ फीमेल गॉडेस. फीमेल गॉडेस का रेफरेंस ज्यादा नहीं दिखता. बट फ्रॉम 300 AD ऑनवर्ड्स वी फाइंड द इमर्जेंस ऑफ अ फीमेल गॉडेस. फीमेल जो गॉडेस है कि काली उमा लक्ष्मी ये जो गॉडेस है उनका इमर्जेंस हमें दिखता है. सो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुप्त पीरियड इन द सोशल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट. कि जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट या सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि इमर्जेंस ऑफ अ फीमेल गॉडेस. इमर्जेंस ऑफ अ फीमेल गॉडेस तो इस तरह से हम एक देख सकते हैं कि जो रिलीजन में क्या चेंजेस आए. रिलीजन में एक चेंजेस आए कि आज हम देखते हैं कि वी आर वर्शिपिंग द फीमेल गॉडेस आल्सो. कि वो काली की पूजा करते हैं 15 दिन या दुर्गा है तो दीज आर ऑल दिस फीमेल गॉडेस. बट दिस वी डिडंट गेट द रेफरेंस ऑफ दिस फीमेल गॉडेस अप टू 300 AD. 300 AD तक उनका रेफरेंस नहीं मिलता ऐसे. बट नाउ फ्रॉम 300 AD ऑनवर्ड्स दिस गॉडेस दे आर वर्शिप बाय दे आर प्रोमिनेंटली वर्शिप. तो दैट इज कॉल्ड द शक्ति कल्ट. दे आर द कॉल्ड द शक्ति. यानी कैसे कि ऐसा बाद में वो फिलोसफी आई कि जो मेल गॉड गॉड है मेल गॉड्स गॉट द एनर्जी ओनली थ्रू देयर वाइफ्स ओनली थ्रू दिस शक्ति. कि आप वो स्टोरीज वगैरह पढ़ोगे तो मेल गॉड्स वी आर वेरी पावरफुल बट फ्रॉम वेयर दे वेर गेटिंग द एनर्जी पावर दे वेर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम देयर वाइफ दैट इज द शक्ति. तो वर्शिप ऑफ शक्ति तो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुप्त डायनेस्टी. कि जो पहले हमें कभी नहीं दिखता हो कि वो कि फीमेल गॉडेस का इतना सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस इमर्जेंस वो हमें इसके पहले के पीरियड में नहीं मिलता. देन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वुमन. कि जो वुमन्स का जो स्टेटस है तो अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक द प्रीवियस पीरियड हियर ऑल्सो वी फाइंड द डिटीरियोरेशन इन द स्टेटस ऑफ वुमन. की जो स्टेटस ऑफ वुमन वुमन है there was a further deterioration in the status of a woman. Though women's goddess were worshipped, but overall the condition of a woman there was a deterioration. यहाँ पे आप एक थोड़ा distinguish कर सकते हैं कि जो women's थी women's we can have two layers of a woman, higher caste woman and lower caste woman. If we compare the higher caste woman with the lower caste woman, the condition of lower caste woman was better than the higher caste woman. यदि overall हम यो period में women देखते हैं, तो without any considering the woman in two layer, one layer higher caste woman जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय की woman आ सकती है, और lower caste woman जिसमें वैश्य और शूद्र की woman आएंगे, तो if you compare the women of higher caste condition of a lower caste woman was better than the higher caste woman. ऐसा क्यों? सर जो ऑनलाइन है कोई बता सकता है? ठीक है. बेसिकली क्या होता था कि लोअर कास्ट वुमन ड्यूरिंग दिस गुप्त पीरियड दे हैड द इकोनॉमिक फ्रीडम. लोअर कास्ट वुमन दे हैड द इकोनॉमिक फ्रीडम. इकोनॉमिक फ्रीडम मीन्स कैसे कि मोस्टली दे एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दे मोस्टली एंगेज इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. सो दे वेर सपोर्टिंग देयर हस्बैंड दे वेर सपोर्टिंग टू देयर फैमिली.
So in that case, they had the economic freedom. कि जो लोअर कास्ट वुमन थे गुप्त पीरियड में हम देखते हैं कि जो लोअर कास्ट वुमन थी दे एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अपने वो हस्बैंड के साथ एग्रीकल्चर काम एग्रीकल्चर में जाती थी, दे एंगेज इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, दे हेल्प्स टू देयर हस्बैंड इन द अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक क्लॉथ मेकिंग हो सकता है, पॉटरी मेकिंग हो सकती है, ज्वेलरी मेकिंग, तो जो भी काम है उसमें वो दे वर शेयरिंग और दे वर सपोर्टिंग देयर हस्बैंड, तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, they had the economic freedom, they were earners to the family. तो automatically क्या होता था कि as they were earners to the family, they had the economic freedom. As they had the economic freedom, they had more say in the home affairs or in the family decision making. So that way they had more freedom, they had the more economic freedom, and automatically they were better in the social status. On the other hand, higher caste woman. Higher caste women, they did not have the economic freedom. They were totally dependent on their family, on their parents, on their husband, on their son. कि जो higher caste woman है, they were dependent on their parents. जब तक उसे शादी नहीं हो रही है, she was dependent on her parents. Once she is married, she was dependent on her husband. After death of her husband, she was dependent on his son, so automatically she was completely dependent on other, and automatically she had lost the economic freedom. And as she had lost the economic freedom, so automatically their status, social status was deteriorated. On the other hand, the lower caste woman, she was economically independent to some extent, so she, her situation was more was better than the हायर कास्ट वुमन. बाद में हमें कुछ रेफरेंस भी मिलते हैं कि ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, इन दैट रेफरेंस हमें पता चलता है कि देर वॉज अ डिटीरियोरेशन इन द स्टेटस ऑफ वुमन, एंड वुमन स्टेटस वॉज इक्वल टू द शूद्र. दैट रेफरेंसेज थ्रू दैट रेफरेंसेज ऑफ अ गुप्त पीरियड, जो रिलीजियस रेफरेंसेज है वहां से हमें पता चलता है कि हर स्टेटस डिक्लाइन रैपिडली, हर स्टेटस डिक्लाइन, और दैट स्टेटस वॉज इक्वल टू द शूद्र. She was allowed to उसको कुछ concessions भी दिए थे. She was allowed to read, she was allowed to hear, or she was allowed to listen to the Ramayana and Mahabharata. But she was not allowed to learn. She was not allowed to learn or teach. So automatically she was that education was prevented to the woman, and that way there was further deterioration in the status of woman. तो एक continuously देख हमने जैसे हमने देखा है कि later Vedic period, बुद्धिज्म, मौर्य पीरियड और गुप्त पीरियड में हम देखते हैं, तो इन बाय द पीरियड ऑफ गुप्त पीरियड देयर वाज अ कंप्लीट डिटीरियोरेशन इन द स्टेटस ऑफ वुमन. कि जो एक धीरे धीरे जो डिटीरियोरेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द वैदिक पीरियड देयर वाज स्टेटस ऑफ वुमन, तो हम देखते हैं कि देयर वाज दैट सोसाइटी वाज इगलटेरियन सोसाइटी, वुमन वी आर ऑल्सो एंजॉइंग द गुड स्टेटस इन द सोसाइटी. इन बुद्धिज्म ऑल्सो दिस वुमन हु एंटर्स इन टू द संघ विहार, they were enjoying the good status, social status, but धीरे धीरे हम देख रहे थे कि there was a deterioration in the status of woman. हम वो देखते हैं, और by the period of Gupta dynasty, there was a complete deterioration in the status of woman. Their status reached to the level of a Shudra, कि जो उनका जो status था, they reached to the level of a Shudra. इस तरह से हम देख सकते हैं कि then एक we got one inscription that is called the Iran inscription, Iran, I-R-A-N, Iran inscription. That site is located at Madhya Pradesh. That site is located at the Madhya Pradesh. Ek gaav hai, uska naam hai Iran. Wahan pe mein inscriptions mila. And through these inscriptions, for the first time, we got the evidence of sati practice. We got the evidence of sati practice. कि sati practice शायद पहले भी होती होंगी हमें पता नहीं है, but we got the real evidence of sati practice at the Iran inscription. तो यदि वो sati practice यदि follow करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि there was further deterioration in the status of woman. तो मुझे एक question पूछना है कि
why were women committing the suicide? Sati is nothing but the one type of suicide. Sati is nothing but the suicide. So why were the women committing the suicide? Women suicide क्यों करती थी? जैसे हमें पता चलता है कि yes there was a definite practice of a suicide और सती practice, क्योंकि वो inscription से पता चलता है. एक बार कैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो written documents है they may be manipulated, but these are the inscriptions. It is very difficult to manipulate the inscription. तो हमें पता चलता है कि 550 AD में there was a prevalent practice of a sati. Sati practice prevalent थी. And we got that evidence from the Iran inscription. तो मेरा एक सवाल ये है कि ये सती प्रैक्टिस क्यों इंट्रोड्यूस हुई? और ऐसा भी देखा जाता है कि ये सती प्रैक्टिस, it was more prevalent among the higher caste women, higher caste society. It was not prevalent or it was not followed in the lower caste. सती प्रैक्टिस was mostly followed in the higher caste women. ब्राह्मण क्षत्रिय में ही वो सती प्रैक्टिस होती थी. लोअर कास्ट में सती प्रैक्टिस नहीं होती थी. एंड वी गॉट द एविडेंस. तो ये सती प्रैक्टिस क्यों फॉलो होती थी, क्यों करते थे? ठीक है समीधा, कोई कोई गेस करो कि क्यों? बराबर रिवाज, वो प्रैक्टिस हमने वो रिवाज चालू कर दिया, लेकिन क्यों? Or go with the invaders who had won the people. Okay. ठीक है और some maybe remarriage के oppose रहे होंगे, like for remarriage ना हो इसीलिए. ठीक है ठीक है. बेसिकली हमें एग्जैक्टली जैसे पता नहीं है कि हाउ डिड दिस प्रैक्टिस स्टार्ट, पता नहीं हमें. लेकिन कुछ रीजंस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक रीजन ये हो सकता है कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला है कि मोस्टली दिस प्रैक्टिस वाज प्रीवेलेंट अमंग द हायर कास्ट वुमन. तो कैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हायर कास्ट वुमन में प्रैक्टिस थी कि मोस्टली क्षत्रिय में हो सकती है. तो कैसे कि दे वेयर एफ्लुएंट क्लास, दे वेयर रिच पीपल, दे वेयर रिच पीपल हो देते. और कैसे कि वी हैड आल्सो द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी. पॉलीगैमी की प्रैक्टिस थी. पॉलीगैमी यानी एक आदमी है और वो बहुत सारे औरतों के साथ शादी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी. उसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं. तो देयर वाज आल्सो दैट प्रैक्टिस कि किंग यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वाइफ्स. इवन शिवाजी महाराज हैड 8 वाइफ्स. यानी जो शिवाजी महाराज को भी 8 वाइफ्स थी. तो बेसिकली दिस एफ्लुएंट क्लास और रिच पीपल देर वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी. यानी कैसे कि उनको ज्यादा औरतें होती थी. तो क्या होता था, और एक तो कैसे कि देवेर रिच, देवेर एफ्लुएंट इकोनॉमिकली इन अ गुड स्टेट एंड देवेर हैविंग द लॉट ऑफ वुमन. What happened after the death of a husband? Many times there was a quarrel, there was a fighting for the wealth. कि बहुत सारे जो उनकी जो औरतें होती थी, they were fighting with or they were quarreling with each other to or for the wealth.
तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि टू गेट अवे फ्रॉम दैट कॉन्फ्लिक्ट कि शायद दैट वुमन्स यूज टू कमिट द सुसाइड और दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ अ सती. दैट इज द इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन. रिलीजियस एक्सप्लेनेशन अलग रह सकता है लेकिन जो इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन जो हिस्टोरियंस ने दिया है कि मेनी टाइम्स देर वेर द क्वारल्स इन द फैमिली एंड टू अवॉइड दैट सम वुमन्स यूज टू कमिट द सुसाइड और adopting the practice of a sati. That may be one explanation, economic explanation for that practice. दूसरा जो explanation हो सकता है that is a religious explanation, क्योंकि कैसे है कि जो husband और male है कि उसके साथ वो रहना है उसको, तो life after death के साथ भी husband के साथ wife ने रहना चाहिए, कुछ ऐसी philosophy होंगी और इसीलिए. लेकिन may be that may be one reason. तो उस तरह से but exactly we don't know the practice कि ये practice बाकी जगह नहीं मिलती हमें. It was a unique practice of India. We didn't find this practice outside India. ऐसे कुछ नहीं मिलते हमें कि सती practice इंडिया के बाहर नहीं दिखते. तो हमें पता नहीं exactly कि how did it start, कि क्या उसके reason हो सकते हैं. But this may be one reason कि that to avoid that conflict कि she used to commit. So that way it is also called altruistic suicide. कि suicides के अलग अलग प्रकार भी हमने कभी आपको शायद सोशियोलॉजी एक टॉपिक होगा जिसका सोशियोलॉजी में एक टॉपिक है सुसाइड का टॉपिक. दोज हु आर हैविंग द टॉपिक दैट सुसाइड सोशियोलॉजी. तो देर इज वन टॉपिक सुसाइड एंड ऑल्सो ऑन दैट टॉपिक देर इज ऑल्सो रिसर्च. देर इज वन सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डुर्किन एंड ही आर्ग्यूज दैट पीपल मेक सुसाइड नॉट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ही सेड दैट or he argued that suicide takes place, it is because of social factors. Society compels the people to make the suicide. It is not because of the psychology. Yaar nahi wo pagla tha, usko kuch problems the, uske karan se suicide ki honge. So that are our perception. Lekin Emil Durkheim argues that suicide takes place, it is because of social factors. Society compels the people to make the suicide. That way aapko ek so ye hai. तो बेसिकली हम इससे पता चलता है कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुप्त डिनेस्टी, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुप्त डिनेस्टी इज द प्रैक्टिस ऑफ अ सुसाइड. और उसका हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है दैट इज द ईरान इंस्क्रिप्शन. कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ईरान IRAN ईरान इंस्क्रिप्शन, उससे पता चलता है कि दैट प्रैक्टिस. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि देर वॉज स्टीप डिटेरियोरेशन इन द स्टेटस ऑफ अ वुमन. कि वहाँ पे सती प्रैक्टिस थी. द हायर कास्ट वुमन हैड लॉस्ट द इकोनॉमिक फ्रीडम. देयर स्टेटस डिक्लाइन टू द स्टेटस ऑफ अ शूद्र. दे वेर नॉट अलाउड टू लर्न, दे वेर नॉट अलाउड टू टीच. ऑटोमेटिकली देयर प्रोग्रेस, देयर ग्रोथ वॉज प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड दैट वे लेड टू द फर्दर डिटीरियोरेशन. देर वॉज वन मंदासोर इंस्क्रिप्शन. मैंने लास्ट टाइम में भूल गया था बताना, बताया था कि जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में कि देर वॉज फर्दर डिटीरियोरेशन, देर वॉज अ कंटिन्यूस डिटीरियोरेशन इन द इकोनॉमी. मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था. तो बेसिकली गुप्त डिनेस्टी हैड इनिशियली हैड द इंटरनल ट्रेड एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड. मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था. तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि देर वॉज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द इकोनॉमी. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि देर वॉज वन गिल्ड इन द गुजरात रिजर्व एंड दैट गिल्ड हैड शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू द एमपी. मैंने वो बताया था आपको. तो मैंने वो भी बताया था कि क्यों शिफ्ट हुई थी वो फ्रॉम गुजरात टू द एमपी. बिकॉज दैट गिल्ड हु वर ऑपरेटिंग इन द गुजरात रिजर्व because of decline in the external trade, now they had lost the trade. So as they had lost the trade, so they had shifted their activity from Gujarat to the MP. So that action or that event is recorded in one inscription that is called the Mandasaur inscription sabhi milta hai, which was recorded around 436 AD. mein hame ek inscriptions mila, that is the Mandasaur inscription. Kabhi prelims mein aa sakta hai question मंदासोर इंस्क्रिप्शन में क्या दिया, एम ए या डी ए एस ओ ओ आर, मंदासोर इंस्क्रिप्शन. तो इंस्क्रिप्शन में क्या दिया है,
कि वो इंस्क्रिप्शन में दिया है कि देर वॉज वन गिल्ड और दैट गिल्ड हैड शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू द एमपी, और जब वो एमपी में शिफ्ट हुए तो दैट गिल्ड हैव डोनेटेड ह्यूज अमाउंट टू द टेम्पल, कि वो जो गिल्ड ने कैसे कि बहुत सारी अमाउंट एक टेम्पल को डोनेट की थी, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दैट मंदासोर इंस्क्रिप्शन। तो मंदासोर इंस्क्रिप्शन हमें पता चलता है, हमें पता चलता है कि नॉट ओनली द किंग वेयर डोनेटिंग बट दिस गिल्ड्स वेयर आल्सो डोनेटिंग टू द टेम्पल, दिस गिल्ड्स वेयर डोनेटिंग टू द टेम्पल, वहां से हमें वो मंदासोर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एंड दे हैड डोनेटेड, तो बेसिकली दैट गिल्ड हैड शिफ्टेड टू द उज्जैनी एंड वन ऑफ द टेम्पल इन उज्जैनी, वो जो एक टेम्पल था तो उस टेम्पल को दिस गिल्ड हैड डोनेटेड, कि उसको जो हर रात को दिया लगाने के लिए उन्होंने कुछ अमाउंट दिए थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है वो मंदासोर इंस्क्रिप्शन से कि, तो इससे क्या पता चलता है कि मंदासोर इंस्क्रिप्शन क्या पता चलता है कि वन इज देर वॉज अ डिक्लाइन इन द ट्रेड, देर वॉज अ डिक्लाइन इन द एक्सटर्नल ट्रेड, वो एक पता चलता है। सिमिलरली देर वॉज अ मूवमेंट ऑफ गिल्ड्स, हमें वो पता चलता है। तो गिल्ड्स वेर रिप्रेजेंटेटिंग ऑन पर्टिकुलर कास्ट, क्योंकि कैसे दे हैड सर्टन ऑक्यूपेशन, दे वेर हैविंग द स्पेशलाइजेशन इन वन, तो कैसे कि दे वेर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिंग वन टाइप ऑफ अ कास्ट। तो देर वॉज अ दिस गिल्ड्स वेर अलाउड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इससे पता चलता है कि देर वॉज सम डिग्री ऑफ मोबिलिटी अमंग द जाति, कि कहीं ना कहीं यदि जो कास्ट है दे वेर अलाउड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये हमें पता चलता है। बाद में हम देखते हैं कि देर वॉज ऑल्सो सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ अ गिल्ड, कि और कास्ट जो मूव होते थे उस पर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, क्योंकि उससे वो इजी नहीं था कि इफ समवन वांट टू मूव, सम गिल्ड्स वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द किंग। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई एक बारबर है एंड इफ ही वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो व्हाट वुड हैपन विद दैट विलेज, तो जो उसका काम कौन करेगा। तो इट वॉज नॉट दैट मच इजी, इट वॉज नॉट दैट मच इजी। हम वो देखते हैं कि इन अ कोर्स ऑफ अ टाइम देर वॉज अगेन रिजिडिटी इन द इंडियन सोसाइटी, कि कुछ लोग थे कि उनको वो काम करना ही पड़ता था, और यदि वो काम उनको जबरदस्ती से वो काम करवाते थे लोग, तो दैट वे देर वॉज रिजिडिटी इन द इंडियन सोसाइटी। हम आज भी देखते हैं कि कुछ लोग हैं कि दे यूज टू परफॉर्म द स्पेशलाइज वर्क एंड इफ दे डिक्लाइन टू डू दैट वर्क देन हायर कास्ट पीपल फोर्स दें। आज भी वो चीज़ें हम पेपर में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन जो बाकी स्टेट्स है वहाँ पे ये चीज़ें हमें आज भी कहीं ना कहीं पेपर से पता चलती है। तो कहीं ना कहीं वी हैड डेवलप द सिस्टम इन अ सच वे दैट एवरी वन हैड बीन असाइन द पर्टिकुलर वर्क एंड दैट देर वॉज अ स्टेट कंट्रोल ऑल्सो, कि वो स्टेट उनको एनफोर्स भी करते थे वो चीज़ें। सिमिलरली मैंने थोड़ा आपको उसके बारे में शाक्त कल्ट के बारे में बताया या तांत्रिज्म के बारे में बताया। सिमिलरली यहाँ पे और एक कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखता है, तो दैट इज रिगार्डिंग द इमर्जेंस ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म, जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक है। हमने तो शक्ति कल्ट के बारे में डिस्कस किया, शक्ति कल्ट इज नथिंग बट द वर्शिपिंग ऑफ द फीमेल गॉडेस, दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ये भी एक इमर्ज हुआ। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि इन द वैदिक लिटरेचर देर वॉज इमर्ज देर वेयर द प्रोमिनेंट गॉड लाइक इंद्र वरुण, ये गॉड्स हमने देखे थे। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में दिस इंद्र वरुण देवियर देयर स्टेटस डिक्लाइन एंड अदर गॉड्स इमर्ज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पीरियड में फ्रॉम 300 AD ऑनवर्ड्स देर वॉज अ वर्शिप ऑफ विष्णु एंड शिव, इनकी जो भक्ति है वो ज़्यादा इमर्ज होने लगे। सो वी फाइंड द इमर्जेंस ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म। तो बेसिकली हम देखते हैं कि भक्ति और भक्ति, जैसे मैंने आपको तीन ये बताए थे, देर वी आर थ्री रूट्स टू अटेन द सेल्वेशन, कौन कौन से रूट थे, देर वी आर थ्री वेज टू अटेन द सेल्वेशन, हाँ
देर वेर थ्री वेज टू अटेंड द सेल्वेशन, मैंने उपनिषद के टाइम पे बताया था आपको. वेरी गुड. ध्यान योग. देर वेर थ्री योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग. बराबर है. उपनिषद फोकस ऑन, उपनिषद फोकस ऑन बोलो, उपनिषद फोकस ऑन सर नॉलेज, नॉलेज, ध्यान योग. इफ यू वांट टू गेट द सल्वेशन यू शुड हैव द नॉलेज. तो उपनिषद फोकस ऑन द ध्यान योग. नाउ दिस वैष्णविज्म एंड शैविज्म दे एम्फेसाइज ऑन द भक्ति टू गेट द सल्वेशन. यदि आपको सल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो व्हाट शुड यू डू, यू शुड परफॉर्म द भक्ति योग. आपने भगवान की भक्ति करनी चाहिए. यू शुड चैंट द गॉड, चैंटिंग द गॉड तो ऑटोमेटिकली यू गेट द सल्वेशन. तो यहाँ पे वैष्णविज्म शैविज्म इमर्ज, और यहाँ से हमें पता चलता है कि देर वॉज, तो हम देखते हैं कि बाय द पीरियड ऑफ, बाय द पीरियड ऑफ 600 BC, 700 BC society focus on the dhyana yoga to get the salvation. Then Buddhism, they had focus on karma yoga, ki aapko ye karne chahiye, ye cheeze karoge to you get the salvation. Eightfold path. Eightfold path kya hai? Basically karma. Basically karma hai. You have to follow this eight path. You have to make the right meditation. You have to think the right, you have to think, you have the right exercise of right actions longe, you get the salvation. Yahan pe hum dekhte hai ki by from 300 AD onwards there was a emphasis on the bhakti yog to get the salvation. Aur tino bhi yog mein, bhakti yog, dhyan yog aur karma yog, tino bhi yog mein which one is the easiest to get the salvation? Bhakti yoga is the easiest way. Bhakti yoga is the easiest way to get the salvation. Or to get the salvation through the dhyana yoga, you have to learn that. You have to learn. आपको सीखना पड़ेगा. कर्म योग तो ये आपको उस तरह से करना पड़ेगा. On the other hand, bhakti yoga, bhakti yoga, it is very easy. आपको क्या करना है? भगवान की उपासना करना है, भगवान का नाम लेना, you get the salvation. So it is comparatively easy. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैष्णविज्म एंड शैविज्म व्हाट दे टॉट अस, दे टॉट अस टू गेट द सेल्वेशन ओनली थ्रू द भक्ति. जो शैविज्म और वैष्णविज्म, तो आल्सो दे गॉट द पॉपुलैरिटी, दे इमर्ज एंड दे गॉट द पॉपुलैरिटी बिकॉज दे हैड गिवन द वेरी इजी वे, दे हैड गिवन अस द वेरी इजी वे टू गेट द सेल्वेशन. उपनिषद, उपनिषद इट वॉज कन्फाइंड टू द हायर कास्ट पीपल, हायर क्लास पीपल. Because it was not that much easy. It was not that much easy. क्योंकि आपको learn करना है. तो people did not get the time because they engage in their day-to-day activities. They have to earn their money, earn their livelihood. So they did not get the time to learn the new things to get the salvation. But bhakti yog में क्या है? आप काम करते करते कि भगवान का नाम लो, you get the salvation. So Vaishnavism and Shaivism had learned, had given the idea that how to get the salvation. So basically Vaishnavism Shaivism ka significance kya hai? It underlined the individual's participation in the religion. Ki Upanishad mein kya tha? Upanishad mein kaise ki everyone did not get the opportunity to get the salvation. Everyone did not engage in the religious activities. Lekin when we adopt this bhakti yoga, so automatically every individual got the opportunity, or got the opportunity to participate in the religion to get the salvation. So dheere dheere logon ka participation religious activities mein badhna chalu hua. That is the significance of this Vaishnavism and Shaivism. Then finally jaise maine aapko ek bola tha ki basically Gupta period is known as the golden age in Indian history. We call it a golden age, सुवर्ण युग बोलते हैं हम इसको. इट इज कॉल्ड द गोल्डन एज और सुवर्ण एज, सुवर्ण युग,
इट इज बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंट इन आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर, उसके कारण हम उसको गोल्डन एज बोलते हैं. सो दो देर वॉज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द इकोनॉमी बट एट द सेम टाइम देर वॉज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. कि हम देखते हैं कि कॉइन्स, तो गुप्त हैड इमिटेट द इंडो ग्रीक कॉइन्स. गुप्त वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स. दे वेयर ऑफ हाई क्वालिटी कॉइन्स, ये जो क्वालिटी थी हाई थी बिकॉज दे गॉट द लिगेसी फ्रॉम द इंडो ग्रीक कॉइन्स. ऑन ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉइन्स मिलते हैं कि ऑन दैट कॉइन्स ऑन वन साइड they had the god inscribed, god wears inscribed on another side they had inscribed the images of kings. ke hum dekhte hai ki ek coins pe hame dikhta hai ki samudragupta was playing the veena, on one coin chandragupta second was fighting with the lion. to is tarah ke hame coins milte hai, to isse kya pata chalta hai, these coins were also helps to construct the gupta dynasty. gupta dynastic history mein hame uska help hota hai. similarly कॉइन्स से पता क्या चलता है, वी गॉट द आइडिया ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज. जैसे मैंने आपको बोला था कि मोस्टली नाउ सिल्वर, वी फाउंड अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्त पीरियड. यदि वो गोल्ड कॉइन्स होते तो उससे क्या पता चलता, वी फाइंड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. वी फाइंड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड क्योंकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना है तो वी नीड द हाई डिनोमिनेशन कॉइन्स एंड मोस्टली द गोल्ड कॉइन्स. But we find now the large number of silver coins. That means there was a gradual decline in the trade, external trade. वो यहाँ से हमें coins से हम पता कर सकते हैं. Then similarly on the religious side, we find the images of Vishnu, images of Shiv. तो वहाँ से हमें पता चलता है कि emergence of Vaishnavism and Shaivism. तो जो कॉइन्स है हमें, वी डिड नॉट गेट ओनली द ट्रेड एंड कॉमर्स बट वी आल्सो गेट द आइडिया ऑफ सोशल लाइफ. वी गॉट द आइडिया ऑफ रिलीजियस लाइफ. रिलीजियस लाइफ के बारे में हमें पता चलता है कॉइन्स से, ट्रेड के बारे में पता चलता है हमें आल्सो. वी गॉट द आइडिया ऑफ किंग्स के बारे में पता चलता है कि जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है. तो आपको जब कॉइन्स पे क्वेश्चन आता है, कोई भी हो, आर्ट आर्किटेक्चर एंड ट्रेड पे क्वेश्चन आता है, आपको उस तरह से कि वो उससे हमें सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है, यू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स. कोई भी हो, ये हमें कॉइन्स के बारे में ज्यादा नहीं लिखना है, जस्ट थोड़ा आपने कॉइन्स के बारे में पता, इस पर क्वेश्चन आया है, न्यूमिस्मेटिक इस पर क्वेश्चन आया है, तो आपको क्या लिखना है कि बेसिकली हमें किस तरह के कॉइन्स मिले, हमें किस तरह के कॉइन्स मिले. सबसे पहले वी गॉट द गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स. इसके पहले के देखो, उसके पहले सातवां डिनेस्टी थी. सातवां ने इश्यूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स बट दीज वेयर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज. सातवां के पीरियड, इसके पहले सातवां पीरियड था, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉन्ज एंड लीड. सिल्वर के कॉइन्स नहीं मिले, गोल्ड के कॉइन्स नहीं मिले. तो कहीं ना कहीं वी फाइंड द डेवलपमेंट इन द कॉइन इंडस्ट्री. तो गुप्त सातवां डिनेस्टी वॉज नॉट दैट इकोनॉमिकली पावरफुल, तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है हमें, इंडियन कॉइन्स. कि जो हमें जो कॉइन्स मिलते हैं, वी गॉट द ब्रॉन्ज कॉइन्स ऑफ सातवां पीरियड. सातवां पीरियड में हमें ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलते हैं, लीड के कॉइन्स मिलते हैं. गुप्त पीरियड में वी गॉट द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, इससे हमें पता चलता है कि दे हैड अ वेरी गुड इकोनॉमी, दो देर वॉज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन बट स्टिल इट हैड वेरी गुड इकोनॉमी, वो पता चलता है हमें. वी कॉइंस पे वी गॉट द दैट इंस्क्रिप्शंस ऑफ अ किंग्स, समुद्रगुप्त प्लेइंग द वीना, चंद्रगुप्त सेकंड फाइटिंग विद द लॉयर. तो वहां से हमें किंग के बारे में पता चलता है. वी गॉट द आइडिया ऑफ अ हॉबी ऑफ अ किंग्स. वी गॉट यदि वो वीना प्ले कर रहा है, इससे पता क्या चल रहा है कि वीना वॉज अ इंस्ट्रूमेंट यूज इन दैट टाइम, वो पता चलता है हमें. एंड इट वॉज अ पास टाइम हॉबी, वो भी हमें पता चलता है. तो आपको इस तरह से ही चीजें लिखनी है कि हमें कॉइन से क्या पता चलता है. इस तरह से आप लिखोगे तो आपको मार्क्स देंगे. तो बेसिकली वी आर नॉट राइटिंग, हम जो
आंसर लिख रहे हैं, इट इज द आंसर ऑफ अ हिस्ट्री, हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं। तो हमें हिस्ट्री में क्या देखना है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर के बारे में लिखना है बेसिकली। तो वही पर्सपेक्टिव से मुझे कॉइंस पर क्वेश्चन आता है, तो मुझे मैंने पॉलिटी के बारे में लिखा है, इकोनॉमिक के बारे में लिखा है, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में या कल्चर के बारे में, इस तरह से आप यदि लिखोगे तो यू गेट द मार्क्स। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द ऑफ दिस पीरियड इज द टेम्पल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर, और जो का पार्ट है दैट इज द टेम्पल। इसके पहले देखो, वी डिडेंट फाइंड एनी टेम्पल 300 AD के पहले, वी डिडेंट हैव एनी एविडेंस ऑफ अ टेम्पल। सो टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द गुप्त पीरियड, टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द गुप्त पीरियड। कहीं अभी तक हमने देखा था टेम्पल आर्किटेक्चर, वी गॉट सम एविडेंस ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, बट दैट इज ऑल्सो डाउटफुल, या वो हमें वो भी नहीं मिले। कुछ बोलते हैं कि टेम्पल्स थे, बट वी डिडेंट गेट एनी एविडेंस ऑफ अ टेम्पल। सो इन द एंशियंट पीरियड, इन द एंशियंट पीरियड वी डिडेंट गेट एनी एविडेंस ऑफ अ टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड इज द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम वेयर वी गेट द एविडेंस ऑफ अ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। उसके पहले ऋग्वेदिक पीरियड में हमें टेम्पल्स नहीं मिले, दे मोस्टली परफॉर्म द रिचुअल सैक्रीफाइसेस। मौर्य डिनेस्टी में हमें टेम्पल्स नहीं मिले, वी फाइंड द विहार, बट टेम्पल ब्राह्मणिज्म के टेम्पल्स कभी नहीं मिले हमें। या इंडो ग्रीक पीरियड में भी हमें टेम्पल्स नहीं मिले। बेसिकली द टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द गुप्त पीरियड। तो बेसिकली जो आइडोल वर्शिप है कि हमने देखा कि आइडोल वर्शिप स्टार्टेड बाय द बुद्धिज्म, देन लेटर ऑन जैनिज्म। ब्राह्मणिज्म में आइडोल वर्शिप नहीं थी, देन वी हैड फॉलोड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड वी स्टार्टेड द आइडोल वर्शिप। जब ये आइडोल वर्शिप स्टार्ट हुई तो ऑटोमेटिकली देयर वॉज अ नीड ऑफ अ टेम्पल, और ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ड्यूरिंग द गुप्त डिनेस्टी। तो इनिशियली जो टेम्पल्स थे, तो बेसिकली उस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन कैसे थे, इनिशियली देवर कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वेयर प्लेटफॉर्म, स्क्वेयर प्लेटफॉर्म होता था, देयर वेयर द स्टेयर केस टू रीच टू दैट प्लेटफॉर्म, जो एक स्क्वेयर प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करते थे और चारों भी तरफ से देवर कंस्ट्रक्ट द स्टेयर केस, पायरीज होती थी ऊपर चढ़ने के लिए। Then, in the middle of that square platform, they were constructing the temple, that three-side temple, and that temple had a flat floor, flat roof. हम बोलते हैं कि जो roof होता था उसका, जो temple का, that was the flat होता था. Now, that temple had a door, उसको door होता था, और that door was decorated with some gods. गंगा या ऐसे कुछ तो भी गॉड ये होते थे, एंड मोस्टली दैट विद इन दैट टेम्पल दे वर वर्शिपिंग सम गॉड, मोस्टली दैट गॉड्स वेयर वराह वगैरह ऐसे कुछ तो भी, वो गॉड की वो पूजा करते थे। तो उससे तो बेसिकली इट वॉज अ वेरी दैट प्रिमिटिव टाइप ऑफ अ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। कि अभी वो जस्ट स्टार्ट हुआ था, उसके हमें कुछ टेम्पल्स के ए मिलते हैं हमें, कंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो आपको वो एनसीईआरटी के किताब में उसके इमेजेस वगैरह दिए हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, वो आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ के हमें गुप्त टेम्पल गुप्त इसके मिले हैं। तो बेसिकली दे वर कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वेयर प्लेटफॉर्म, ऑन दैट स्क्वेयर प्लेटफॉर्म दे हैड कंस्ट्रक्टेड वन रूम, इन दैट वन रूम वी कॉल इट अ गर्भगृह दैट गॉड वेयर इंस्टॉल्ड, द रूफ ऑफ दैट टेम्पल्स वेयर फ्लैट इन स्ट्रक्चर होते थे। तो इस तरह से दैट रूम हैड वन डोर, एंड दैट डोर्स वेर डेकोरेटेड विद द गॉडेस लाइक गंगा, गंगा की वगैरह ये करते थे। तो दैट वे सिंपल कंस्ट्रक्शंस वेयर कंस्ट्रक्टेड। और वही से बाद में देर वॉज अ फर्दर डेवलपमेंट, और हम बाद में देखेंगे कि वी हैड थ्री टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। वन इज, फर्स्ट इज कॉल्ड नगर आर्किटेक्चर, सेकंड इज द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड थर्ड इज वेसर और वेसर टेम्पल आर्किटेक्चर।
इस डेवलपमेंट देर वॉज अ डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुए तो उसके तीन आर्किटेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर हमें इंडिया में देखते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड नगर टेम्पल आर्किटेक्चर विच वॉज प्रेजेंट इन द नॉर्थ. नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज कॉल्ड नगर आर्किटेक्चर. नगर टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया में. जो मिडल में सेंट्रल इंडिया में वी कॉल इट अ बेसर और वेसर. अब वो डिटेल में लेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक. बेसर BESAR बेसर और BESAR बेसर आर्किटेक्चर. एंड थर्ड इज द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर DRAVA DIDIAN द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. सो द स्टार्ट ऑफ नगर टेम्पल आर्किटेक्चर इज नथिंग बट द गुप्ता पीरियड. उसके बाद हम देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये आपको टेम्पल बस इतना ज्यादा उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि कैसे कि इट वाज जस्ट स्टार्ट. तो बहुत ज्यादा ऐसे टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी. जस्ट इनिशियल स्टेज में उन्होंने वो स्टार्ट कर दिए थे. तो यहाँ पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है. दे हैड ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन कॉइंस. मेंस में क्वेश्चन पूछा ना कॉइंस पे तो वहां पर भी चांसेस कम है क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे ज्यादा क्योंकि कैसे कि उनको बहुत बहुत बड़े एरिया है तो रिपीट करने के चांसेस बहुत कम है. तो कॉइंस पे भी चांसेस बहुत कम है. टेम्पल पे भी बहुत ज्यादा कम है चांसेस पूछने के. लेकिन दे में आक्स क्वेश्चंस ऑन द कालिदास. कालिद लिटरेचर पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन कालिदास. कालिदास पे एक शॉर्ट नोट बना के रखो. 150 वर्ड्स में कालिदास पे एक शॉर्ट नोट बना के रखो कि उसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी. ध्यान 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 कौन सी अभिध्यान शकुंतलम मेघदूत इस तरह की किताबें उसने लिखी है. उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था उसके बारे में वो पूछ सकते हैं. प्रीलिम्स में भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. तो बेसिकली कालिदास वाज इन द कोर्ट ऑफ अ चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड. कालिदास वाज इन द कोर्ट ऑफ अ चंद्रगुप्त सेकंड. उसके कोर्ट में था. एंड ही हैड रिटन सम बुक्स अभिज्ञान शकुंतला मेघदूत इस तरह की उसने किताबें लिखी है. और वो किताब से उस टाइम का जो रॉयल लाइफ है उसके बारे में पता चलता है. ये जो कॉमन मैन है उसके बारे में पता नहीं चलता. तो बेसिकली आप उसके क्या क्या लिखा उसने और उससे हमें क्या पता चलता है उस पर आपको फोकस करना है आंसर लिखते समय. कि देर इज अभिज्ञान शकुंतला. शकुंतला की स्टोरी बताए आपको. शकुंतला की स्टोरी बताए. मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो हमारे टाइम पे एक ऑप्शनल का पेपर होता था ऑब्जेक्टिव टाइप में. उन्होंने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था. उन्होंने चार स्टेटमेंट दिए थे. वो स्टोरी थी चार स्टेटमेंट पूरी स्टोरी बताए थे. और वो स्टोरी से हमको उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो स्टोरी है किसने लिखी है. चार स्टेटमेंट दिए थे. वो स्टोरी से आइडिया आ जाते थे कि ये स्टोरी है. तो वहां से तो उन्होंने फाइनली उसको पूछा था कि ये कौन सी किताब में लिखा है. तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये शकुंतला की उसने अभिज्ञान शकुंतलम करके किताब लिखी. शकुंतला की स्टोरी है. तो बेसिकली वो स्टोरी क्या है. एक किंग होता था. उनका नाम मैं भूल गया. तो कैसे कि वो किंग जंगल में घूमने के लिए जाता है. और हाँ दुष्यंत. वेरी गुड. आपको बताए उसके बारे में बताओ उस स्टोरी के बारे में. दुष्यंत शकुंतला वाज अडॉप्टेड डॉटर ऑफ कण्व ऋषि. एंड व्हेन दुष्यंत किंग ही हैड गॉन फॉर हंटिंग ही मेट हर देयर एंड दे फेल इन लव एंड दे कंसुमेटेड इन मैरिज एंड देन ही वेंट बैक टू हिज किंगडम. एंड व्हेन इट वाज अबाउट हर दैट इवन शी गोज बैक देयर आर सम क्लैशेस बिकॉज ही फॉरगेट्स about Shakuntala and her son and their son Bharat, which is on which our country is named after. And then
Eventually, he remembers that he had a wife called as Shakuntala and accepts her son also. And then their son Bharat eventually becomes the king. Very good. तो ये कैसे कि इस तरह कभी कभी क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, तो आपको ऐसे कि जो आप किताब में अगर पढ़े तो सीरियसली पढ़ लेना हो किताब, कोई स्टोरी वगैरह दी होंगी, क्योंकि एक बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने और यही क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने वो बताया कि वो चार लाइन में ही उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था। तो बेसिकली वो स्टोरी सिंपल स्टोरी है, दुष्यंत करके एक रूलर था, वो घूमने के लिए जंगल में जाता है, तो वहाँ वो जंगल में कण्व ऋषि रहते हैं और कण्व ऋषि की एक लड़की रहती है दैट वाज अडॉप्टेड, दैट इज हिज नेम वाज शकुंतला। तो कैसे कि वो दुष्यंत वो शकुंतला को देखता है, दोनों को प्यार होता है, और कैसे कि वो यानी देर वाज अ गंधर्व मैरिज, मैंने आपको शायद मैरिज के बारे में बताया था, देर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, मैंने बताया था एंशियंट इंडिया में के टाइम पे कि देर वेर 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, तो उसमें से वन टाइप मैरिज दैट इज कॉल्ड द गंधर्व मैरिज, दैट इज द सीक्रेट मैरिज, कि दो ही लोग वो मैरिज कर लेते दैट इज कॉल्ड द गंधर्व मैरिज, सो दे हैड परफॉर्म द गंधर्व मैरिज, सीक्रेटली मैरिज कर लेते। और बाद में कैसे कि कुछ दिनों तक वो वहाँ पे रहता है, और बाद में कैसे कि वो अपनी अंगूठी शकुंतला को दे देता है और बोलता है कि कुछ मैं अपने पहले अपने राज्य में चला जाता हूँ और बाद में 1 महीना 2 महीने 6 महीने के बाद या साल भर के बाद तुम मेरे राज्य में आ जाना, तब तो कैसे कि वो अंगूठी मुझे दिखाना, और वो अंगूठी अपने वाइफ को देता है शकुंतला को, और अपने जंगल अपने वो राज्य में चला जाता है। बाद में वो प्रेग्नेंट बन जाती है, उसको एक लड़का होता है, हिज नेम इज भरत, उसके नाम से हमारा भारत नाम पड़ा है, ऐसी वो स्टोरी है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है लड़का, तो वो कण्व ऋषि को बताते हैं कि आई मैरिड टू दैट दुष्यंत, तो ठीक है, वो उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे कि बाद में वो अपनी लड़की शकुंतला को और वो जो भरत जो लड़का था उसका उसको लेके वो राज्य में चले जाते हैं। तो जाते जाते समय बीच में एक रिवर आ जाती है, नदी आ जाती है, और नदी में कैसे कि गलती से उसकी जो रिंग होती है वो गलती से गिर जाती है। बाद में कैसे कि वो कण्व ऋषि अपनी लड़की और वो लड़की को लेके वो दुष्यंत राजा के पास चली जाती है, तो लेकिन दुष्यंत राजा उसको पहचान नहीं पाता, तो उसकी भी एक स्टोरी है। तो एक स्टोरी है कि एक बार वो दुष्यंत राजा बैठा रहता है और अपने बीबी के बारे में सोचते रहता है, कि शकुंतला के बारे में सोचते रहता है। उसी टाइम पे उसके पास कोई एक ऋषि आता है, शायद दुर्वास ऋषि वगैरह होगा, दुर्वास ऋषि आता है, ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज दैट। तो दुर्वास ऋषि को वो कैसे कि वो ह्यूमिलेशन लगता है कि मैं यहाँ पे आया और किंग का राजा का ध्यान नहीं मेरे तरफ, उसको शाप दे देता है कि जो जिसके बारे में सोचता होगा तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है तेरे माइंड से निकल जाएंगे, तो यार उसको तो भूल जाएगा। तो एक्चुअली उस टाइम पे वो शकुंतला के बारे में सोचते रहता है और उसके शाप के कारण उसका जो इंफॉर्मेशन है शकुंतला के बारे में वो इरेज हो जाती है, उसको याद नहीं रहता शकुंतला के बारे में या उसके उसके साथ शादी की है। तो बोलता है कि मैं इतना कभी तुझे देखा ही नहीं है, तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माय वाइफ, और उसको भगा देता है यानी निकाल देता है अपने यहाँ से राज्य से। तो बाद में कैसे कि जो अंगूठी होती है, तो वो अंगूठी एक फिश होता है, फिश के पेट में चली जाती है, वो ले लेता है पेट में चली जाती है। तो वो फिश है एक जो क्या है कि जो पकड़ने वाला है, तो फिशरमैन दैट कैप्चर्ड दैट फिश, उसको काटता है तो उसमें से वो अंगूठी मिलती है उसको। तो अंगूठी वो राजा की होती है बिकॉज दे हैड रॉयल एम्ब्लेम ऑन दैट रिंग। तो कैसे कि वो पता चलता है उसको ये राजा की, तो कैसे वो राजा को लेके देता है वो। तो जैसे वो राजा वो अंगूठी को देखता है तो अगेन ऑल हिज मेमोरी वापस आ जाती है, तो उसको याद आ जाता है कि अरे एक लड़की आई थी वो शकुंतला, देन वो ढूंढता है वो शकुंतला को और वैसे वापस लेके आ जाता है। दैट टाइप ऑफ स्टोरी इज गिवन इन दैट बुक। और वो जो भारत है जिसका लड़का दुष्यंत शकुंतला का लड़का, तो उसके नाम से वी कॉल इट अ भारत, नाम कंट्री का नाम भारत दिया जाता है। दैट इज अ स्टोरी।
तो बेसिकली दिस स्टोरी इज गिवन ओनली इन फोर लाइन्स इन दैट यूपीएससी पेपर, हमारे मेरे शायद ये 2003 का पेपर होगा, आप देखोगे वो पेपर 2003 या 2002 का पेपर होगा, उसमें वो स्टोरी दी थी, चार लाइन में दी थी और मुझे आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन सी स्टोरी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको कैसे कि जहाँ जहाँ भी आपको स्टोरीज दी है तो आपको कैसे कि पढ़ना है वो, समझना है वो स्टोरी, वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार तो उन्होंने पूछा था वो, तो दैट स्टोरी इज गिवन, तो उससे पता चलता है, तो दैट इज द स्टोरी रिटन बाय कालिदास, तो उससे पता चलता है कि जो थीम क्या होते थे, जो भी राइटर्स थे उस टाइम के। कालिदास वॉज अ वेरी फेमस राइटर ऑफ दैट पीरियड, एंड वॉट वी आर द थीम ऑफ दैट टाइम। तो बेसिकली द थीम जो थी, तो हमें पता चलता है कि जो थीम के बारे में पता चलता है। इस तरह से आपको मेघदूत के बारे में या इसके बारे में आपको लिखना है। आपने कभी रामटेक गए होंगे तो वहाँ पे वो जो ये है मॉन्यूमेंट्स भी है कालिदास का, ऐसी स्टोरी है कि कालिदास ने वहाँ पे लिखा वगैरह, पता नहीं वो एग्जैक्टली सच है या नहीं है। तो दैट इज, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दे में अक्स क्वेश्चन, तो आपको एक 150 वर्ड्स में कालिदास पे एक शॉर्ट नोट बना के रखनी है। सो कालिदास वॉज वन ऑफ द दैट रॉयल फंक्शनरी इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। देन वी ऑल्सो गेट द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी। कोई दिल्ली गया होगा तो उसने चंद्रगुप्त सेकंड का एक आयरन पिलर देखा है, अशोक स्तंभ है क्या वो? आयरन आयरन पिलर है वहां पे, आयरन पिलर है दिल्ली में, नेहरोली में देखा है आपने? Yes, शायद उसके नजदीक यही है ना, कुतुब मीनार भी है ना, क्योंकि मैंने देखा। लेकिन कुतुब मीनार है शायद, क्योंकि मैंने वो अभी देखा, मैंने जब मैं इंटरव्यू गया था तब मैंने वो देखा था, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन नजदीक ही शायद वो ये। तो वैसे कि ये जो आयरन पिलर है दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, और वो कैसे खुले में है। इट इज अ इवेंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, इट इज अ इवेंट ऑफ 400 AD। आज कौन सा चल रहा है? 200 AD, यानी लगभग आज से 1500 साल पहले दैट आयरन पिलर वॉज कंस्ट्रक्टेड, और वो कैसे खुले में है, और आज भी उसको इट इज नॉट, यानी उसको यानी जो गंज बोलते हैं हम या जंग बोलते हैं वो नहीं लगा है। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे आप लोहा भी बाहर रखोगे 5-6 साल वो खराब हो जाता है। ये तो 1500 साल से बाहर खड़ा है वो आयरन पिलर, और इट इज नॉट रस्टेड, उसको कुछ जंग नहीं लगा है। इट इज जिस तरह से, तो उससे क्या पता चलता है अवर डेवलपमेंट इन मेटरलॉजी। वी आर हाईली डेवलप इन मेटरलॉजी। मेटरलॉजी मीन्स जो आयरन से रिलेटेड हम जो डेवलपमेंट करते हैं, एक देर इज वन ब्रांच इन इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड मेटरलॉजी दैट मोस्टली डील्स इन द मेटल्स। तो वी हैड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ अ मेटरलॉजी दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस आयरन पिलर। वो आयरन पिलर से बहुत बड़ा नहीं है, मेरी हाइट का होगा या थोड़ा बहुत छोटा मोटा होगा, बट इट इज इन ओपन ग्राउंड, इट इज नॉट रस्टेड स्टील इन लास्ट 1500 ईयर्स। तो दैट रिफ्लेक्ट्स अवर नॉलेज ऑफ मेटरलॉजी, कि हमारा जो मेटरलॉजी का नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आयरन पिलर पे, या मेटरलॉजिकल डेवलपमेंट पे वो क्वेश्चन आ सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन पिलर which is located at Mehuruli. It is Delhi में ही है वो।
देन वी हैव सम एविडेंसेस ऑफ अजंता केव्स वगैरह के उसके ये है. तो बेसिकली अजंता केव्स क्या है, दीज आर नथिंग बट द रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स है. के बड़े बड़े वहाँ पे ये थे, देर वेर द हिल्स एंड दिस हिल्स वेयर चिजल आउट. तो बेसिकली दे हैड क्रिएटेड द रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स. बुद्धिस्ट केव्स वहाँ पे उन्होंने किए है. दिस केव्स वेयर डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर्स एंड सम कंटेन म्यूरल पेंटिंग. म्यूरल पेंटिंग क्या होती है, म्यूरल पेंटिंग MURAL, म्यूरल पेंटिंग क्या होती है. किसी को पता है म्यूरल पेंटिंग क्या होती है? बेसिकली म्यूरल पेंटिंग, हाँ वेरी गुड, बराबर है. इट वॉज परफॉर्म ऑन द वॉल, इट वॉज वॉल. एक सिंपल एग्जाम्पल बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये जो म्यूरल पेंटिंग्स कैसे बनाई गई थी यहाँ पे, कि कैसे कि दे वर यूजिंग द काउ डंग एंड गाय का गोबर, दे मोस्टली दे हैड यूज द काउ डंग और गोबर बोलते हैं, दे हैड यूज द काउ डंग और उसमें अलग अलग और कुछ मिक्स करते थे वे. और दिस काउ डंग्स मटेरियल वॉज पेस्टेड ऑन द वॉल उन्होंने, और उस तरह से वो स्कल्पचर करते थे. यानी कैसे कि जिस तरह की इमेज देनी है, आदमी बनाना है, औरतें बनानी है, जो भी है, तो दे वेर गिविंग द शेप टू दैट काउडंग मटेरियल एंड देन दे वेर पेंटिंग, मेकिंग द पेंटिंग पेंट और मेकिंग द पेंटिंग ऑन दैट काउडंग मटेरियल. तो दैट इज कॉल्ड द म्यूरल पेंटिंग. द म्यूरल पेंटिंग बेसिकली क्या है कि मेजरली रॉ मटेरियल इन दैट अजंता केव्स दे हैड द म्यूरल पेंटिंग. द बेसिक मटेरियल ऑफ दैट पेंट म्यूरल पेंटिंग इज द काउडंग. काउडंग को अच्छे से मिक्स किया था उन्होंने, then they had pasted on the wall और उसको color किया. so that is called the mural painting. so mural painting is one of the characteristic of Ajanta cave. and आज से पकड़ लो आप, आज से 1500 साल पहले that mural painting, उसके बाद भी धीरे धीरे करते रहे, that mural paintings were done and still they maintained their that luxury. कि आज भी उस तरह से वो luxurious जो बनाए उन्होंने, आज भी उस तरह से maintain किए उन्होंने. तो बेसिकली दिस अजंता केव्स वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर द बुद्धिस्ट पीपल. ये जो बुद्धिस्ट मंक्स है उनके लिए वो केव्स बनाए थे. दिस अजंता केव्स आल्सो रिफ्लेक्ट द ट्रेडिंग सेंटर्स, क्योंकि ऐसे कि दे वेर डोनेटेड बाय द गिल्ड्स और बिग मर्चेंट्स. क्योंकि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए यू नीड द कैपिटल, यू नीड द मनी एंड दैट वेयर प्रोवाइडेड बाय द किंग्स एज वेल एज दे वेयर प्रोवाइडेड बाय द मंक्स. तो कभी अजंता केव्स पर, लेकिन कैसे कि ये एक ही टाइम पे नहीं बनी थी, मैं बाद में हम डिटेल में लेंगे इसके बारे में, वाकाटक रूलर्स है या बाकी राष्ट्रकूट रूलर्स है, उन्होंने भी वो कंस्ट्रक्ट किए थे. फाइनली दैट गुप्ता डिनेस्टी. तो फाइनली बाय द पीरियड ऑफ 550 AD गुप्ता डिनेस्टी डिक्लाइन. गुप्ता डिनेस्टी डिक्लाइन बाय द पीरियड ऑफ 550 AD, यानी लगभग उन्होंने 250 साल तक राज किया. गुप्ता डिनेस्टी हैड रूल ओवर द 500 AD ऑनवर्ड्स. बेसिकली दो वी से दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डिनेस्टी वॉज अ चंद्रगुप्त फर्स्ट, देन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड. लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है इसके पहले चंद्रगुप्त हैड रूल ओवर द पाटलिपुत्र. चंद्रगुप्त हैड रूल ओवर द पाटलिपुत्र. लेकिन हमें कुछ थ्रू द लिटरेचर वी गॉट द एविडेंसेस दैट दिस गुप्त डिनेस्टी वेर ओरिजिनली लोकेटेड एट द वेस्टर्न यूपी ईस्ट दैट एक मिनट दे वेर लोकेटेड टू वेस्टर्न यूपी. इनिशियली दिस गुप्त डिनेस्टी, द इनिशियल रूलर्स ऑफ अ गुप्त डिनेस्टी, they were located at the western UP mein wo located the and uske pehle bhi kuch rulers hai ki unke naam bhi diye lekin hame wo not gs point of view wo important nahi hai but basically these were located at the western UP and when they got the opportunity they entered into the Pataliputra region and established their empire. to jo western UP mein initially jo rulers the
initially they had accumulated the wealth, huge wealth. They had accumulated the huge wealth through the trading. ऐसा बोला जाता है कि शायद might they might have earned some wealth through the Silk Road. They had controlled the Silk Road. They had earned that wealth from the Silk Road. Then once they got economically powerful, then they ventures into the Pataliputra region. तो उसके पहले कुछ rulers के नाम दिए हैं हमें, लेकिन वो important नहीं है. And then they shifted to Gangetic region, Pataliputra region. Then both Chandragupta first, Samudragupta or Chandragupta second, they were ambitious ruler. They had expanded their empire. But उसके पहले they had the background. They had initially that background had supported them to expand the empire. So as every ruler, every dynasty had their decline. So Gupta dynasty also declined. तो उसका एक main reason हो सकता है कि as usual they had the weak successor. हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त second, चंद्रगुप्त second के बाद again कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त these rulers came to the power. But they were not that much efficient. उतने ज़्यादा efficient नहीं थे. So weak successor may be one cause of a decline. कि जैसे चंद्रगुप्त second bequeathed the empire from the समुद्रगुप्त second. But चंद्रगुप्त second had the ability to rule or control the empire. He had ruled that Vakatak dynasty with the help of his daughter Prabhavati Gupta. But later on, then came the Kumargupta. Kumargupta had some capability. He maintained the empire intact. But उसके बाद जो rulers आए, Skandagupta या बाकी जो rulers आए, they did not have the capability to maintain that big empire. So weak successor may be one cause of a decline. Then decline in trade. तो हमने हमेशा देखा है कि another reason for the decline is the economy. If there is a decline in the economy, because to rule over the big empire, they needed the huge resources, and these resources are coming only through the war and through the trade. Now during the Gupta dynasty, there was peace and tranquility. There was peace and tranquility, sukh shanti thi. तो ऐसा देखा जाता है कि whenever there is a peace and tranquility, there is always the development of art and literature. There is always development of art and literature. हमेशा ग्रोथ होती है लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर की ग्रोथ कहाँ पे होती है कि whenever there is a peace and tranquility. तो हमेशा ऐसा देखा जाता है कि मैंने आपको कभी भी बोला कि आर्ट लिटरेचर जब ग्रो होता है, when there is a economics, when there is a economic prosperity, when there is a peace and tranquility, that time this superstructure emerge. मैंने आपको काल मार्क्स के इसमें बताया था स्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चर. तो कब ये होता है कि जो डेवलपमेंट है आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर कब होता है कि देयर इज ऑलवेज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहेंगी तब ये चीजें होंगी. अब अफगानिस्तान में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट. आप देखो यूएस, देखो आप यूएस में दे हैड डेवलप, वहाँ पे जो आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर में बहुत उन्होंने ग्रोथ की है जिस तरह से. तो कहीं ना कहीं दिस ग्रोथ इट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के कारण ही आप वो सब कुछ चीजें देख सकते हो. तो ये जो चीजें है यानी जैसे हमने हॉलीवुड के मूवीज में अगर देखते हैं, हम बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं यानी, तो उस तरह के जो एक्चुअल में ऐसा यूएस में है कि जिस तरह का एक्चुअली मैं शिकागो में गया था एक दिन. तो शिकागो में आपने पता होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने एक स्पीच दिया था, तो वो शिकागो में दिया था. तो एक्चुअली वो मुझे देखना था तो मैं वो देखने के लिए गया था. तो आज वहाँ पे अभी भी है, बहुत छोटा हॉल है वो, एक छोटा हॉल है वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया था. तो वहीं पे बहुत बड़ा ये है म्यूजियम है एंड बहुत फेमस म्यूजियम है वो यूएस का. और यदि आपको पूरा म्यूजियम देखना है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, तो आपको 4-5 दिन लगेंगे. इतना बड़ा वो म्यूजियम है एंड और कैसे है कि उसमें सिर्फ अलग अलग ये है एरियाज है कि वो अफ्रीकन पेंटिंग, एशियन पेंटिंग, साउथ ईस्ट एशियन पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग,
वॉरफेयर के ये है तो बहुत बड़ा है, यानी पेंटिंग का ही इतना ही कि आप एक दिन लगेंगे आपको पेंटिंग देखने के लिए, और कैसे वो हर सब ओरिजिनल रखा है, ओरिजिनल ही है, ऐसा नहीं सब ओरिजिनल चीजें, पिकासो का पेंटिंग मैंने वहां पे देखा था, ओरिजिनल पेंटिंग है वहां पे। तो यानी आप 4-5 दिन, यानी 4-5 दिन लग सकते, इतना बड़ा ही है। और तो ये जो चीजें है तो वहां से वो पता चलता है, यानी कैसे कि जो तो ये जो इतना उन लोग ग्रोथ है, यानी आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर रिसर्च में जो ग्रोथ है, इट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो हमेशा वो हमें समझ में आती है कि जब आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होंगे, देर विल बी द ग्रोथ इन द लिटरेचर। जो देखो आपकी यूएस के जो ऑथर्स है उनकी किताबें ग्लोबली पढ़ी जाती है, उनकी किताबें ग्लोबली पढ़ी जाती है, क्योंकि कैसे कि उनके पास उस तरह का रिसोर्सेज है टू राइट द बुक्स। क्योंकि आप बहुत अच्छी किताबें लिखनी है, यू नीड द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कैसे कि वो आदमी को एक्सपोजर होना चाहिए, वो जो लिखता है उसको एक्सपोजर होगा, जितना ज्यादा वो एक्सपोजर होगा तो उसको जितना इंफॉर्मेशन आएंगे तो उस तरह से वो लिखेगा वो, कि जो है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे कि वहां पे आप बिजनेस भी करते हो तो कैसे कि वो वहाँ के बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो हो जाते हैं एट अ ग्लोबल लेवल। इनके जो बिजनेस है ग्लोबल लेवल पे वो ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि उनसे उनकी इकोनॉमी उस तरह से बिल्डअप हुई है कि कैसे कि यू गेट द एक्सेस टू ग्रो वेरी रैपिडली। लेकिन इंडिया में आप वही बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका इकोनॉमी उस तरह से नहीं है कि यू डोंट गेट द एक्सेस टू ग्रो ग्लोबली। तो वो जो चीजें है तो बेसिकली कैसे कि वो इकोनॉमी से हमें पता चलती है कि यूएस इकोनॉमी इज इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी उनका जो फाउंडेशन उस तरह से उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, या दे हैड बिल्ड द वे कि दैट वे बिजनेस कैन इजीली ग्रो। तो उस तरह से कैसे कि वही इकोनॉमी के कारण ये उस तरह के उनकी जो स्ट्रक्चर बिल्डअप हुए है, यानी कंस्ट्रक्शन बिल्डअप हुए है, यानी वो शिकागो में रिवर है, अंदर से वो रिवर ही होती है, और वो कैसे कि उस पर कैसे कि उन्होंने जो पुल्स है, ब्रिजेस है, ब्रिजेस भी कैसे कि वो ब्रिजेस इस तरह कंस्ट्रक्ट किए कि यदि इमरजेंसी आती है तो ब्रिजेस वो कैसे कि वो चालू कर देते हैं और लोग मूव कर सकते हो वहाँ पे। तो वो वहाँ से उनको इनोवेशन दिखते हो, इनोवेशन देखते हैं, यानी जिस तरह के दे आर वेरी केयरफुल अबाउट द देयर एनवायरमेंट, कि जिस तरह से उनकी जो पानी दिखता है वो नदियों का पानी वगैरह, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते इंडिया में ऐसा होगा करके, कि दे टेक केयर ऑफ देयर रिवर्स एनवायरमेंट। कि तो उस तरह से तो जिस तरह से तो बेसिकली ये क्यों है, बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी दे कैन स्पेंड दैट मनी। इंडिया के पास में रिसोर्सेस नहीं है, या रिसोर्सेस है तो भी कैसे कि वहां पे करप्शन ज्यादा है, जैसे हम दे हर साल पेपर में आता है इतना एमएनसी ने इतना पैसा नाग नदी साफ करने के लिए किया है, लेकिन वो हर साल होती नहीं हो। रीजन इज सिंपल कि लॉट मेजर मनी सिफन ऑफ थ्रू द करप्शन। तो प्रॉब्लम सी है। तो बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि वहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कैसे कि पीपल टेक केयर ऑफ, कि लोग ध्यान रखते हैं कि नहीं ये मेरी यहाँ की रिवर है, या गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा खर्चा कर रही है, तो देर आर द एनजीओज, देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन, एंड थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन दे टेक केयर ऑफ कि रियली वो पैसा खर्चा हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे उस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं है कि सब मिली भगत रहती है ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिकल क्लास के, कॉन्ट्रेक्टर्स के, पीपल्स डोंट नो कि क्या हो रहा है पैसे का, रियली वो पैसा खर्चा हो रहा है क्या नहीं उस चीज़ों पे, एंड ऑटोमेटिकली उसका फायदा नहीं होता। और हर साल देर इज अ बजट फॉर द दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ नाग नदी, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही इतने साल से। तो जो चीजें हैं तो उस तरह से तो इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, कि आवर इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन इकोनॉमी, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस है तो दे कैन स्पेंड, तो वहाँ पे हमें करप्शन कम दिखता है। जहाँ पे इकोनॉमी बहुत ये है कॉन्ट्रैक्टेड है या बहुत लिमिटेड है, तो देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ लेस डेवलपमेंट। देन फाइनल जो रीजंस हो सकता है डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डिनेस्टी, दैट इज द फॉरेन इन्वेजन। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि देर वॉज अ वीक सक्सेसर, दैट इज वन फैक्टर, दैट इज डिक्लाइन इन ट्रेड, बट मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द दैट कॉज द डिक्लाइन ऑफ
गुप्त डिनेस्टी दैट वॉज द फॉरेन इन्वेजर. सो बेसिकली हुन अटैक ऑन द गुप्त डिनेस्टी. हुन वेयर अगेन द बारबेरियन ट्राइब बारबेरियन कम्युनिटी दे वेयर इन द सेंट्रल एशिया एंड दे एंटर्स इन टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड दैट टाइम गुप्त डिनेस्टी हैड नॉट टेकन द प्रिकॉशंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट और हैड नॉट टेकन द मेजर्स टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड सो दैट कुशन दैट हुन्स गॉट द अपॉर्चुनिटी दे इन्वेडेड इंडिया एंड दैट टाइम गुप्त डिनेस्टी और गुप्त रूलर्स वी आर नॉट प्रिपेयर टू काउंटर द अटैक ऑफ अ हुन डिनेस्टी. मिहिरकुल का नाम सुना आपने. मिहिरकुल वॉज द रूलर. मिहिरकुल और उसके जो रूलर थे दिस वेर द हुन रूलर्स. दे अटैक इन द गुप्त डिनेस्टी एंड डिस्ट्रॉय द डिक्लाइन एंड डिस्ट्रॉय द गुप्त डिनेस्टी एंड दैट वे फाइनली डिक्लाइन द बिग एम्पायर दैट इज द गुप्त. तो बेसिकली जो गुप्त डिनेस्टी है तो उस पर जो मेंस में आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं तो कॉइंस पे करके रखो. चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. एक क्वेश्चन तो वो उस पर पूछ सकते हैं दैट इज द कालिदास के लिटरेचर पे एक मेजरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देन क्वेश्चन टेम्पल आर्किटेक्चर पर पूछ सकते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन नगर आर्किटेक्चर वेसर आर्किटेक्चर और द्रविडियन आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन पूछेंगे. तो बेसिकली देर इज अ रियर चांसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑन गुप्त टेम्पल आर्किटेक्चर क्योंकि कैसे कि इट वॉज जस्ट द स्टार्ट. लेकिन करके रखो हमने वो निगलेक्ट कर दिया तो कैसे कि आपको बहुत ज्यादा उस पर एनसीईआरटी से भी यू कैन इजिली मेक द 150 वर्ड्स आंसर. एक टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन बना के रखो. कालिदास टेम्पल आर्किटेक्चर एक वैष्णविज्म और शैविज्म पे बना के रखो. चांसेस बहुत कम है और रिलीजन पे है लेकिन आपका जो टॉपिक है आर्ट आर्किटेक्चर और लिटरेचर ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. लेकिन एक बना के रखो वैष्णविज्म और शैविज्म पे. क्वेश्चन वो उसका पार्ट नहीं बनता. चांसेस बहुत कम है लेकिन ऑन द एक रिलीजियस के एस्पेक्ट से एक बना के रखो. तीन इस पे बना के रखो. तो अजंता केव्स वगैरह हम बाद में लेंगे तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है उसको. तो ओवरऑल इस पर तीन इस पर शॉर्ट नोट बना के रखो तो आ सकते हैं इस पर क्वेश्चंस. बाद में इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे अलाहाबाद प्रशस्ति करके अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्त ने लिखा है. अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन तो बेसिकली वो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में क्या है. तो बेसिकली चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त विक्टोरियस एक्सपीडिशन टुवर्ड्स साउथ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द दैट इंस्क्रिप्शन अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या उसको प्रशस्ति बोलते हैं विच वॉज रिटन बाय हरिसेन. तो ऐसे प्रीलिम्स में आपको जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे कि उसने वो किसने लिखा था. हरिसेन वॉज ऑल्सो वन पर्सन हु हैड तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये जो क्वेश्चंस है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन तो किसने बनाया था ये तो आंसर उसका चंद्रगुप्त सेकंड रहेगा. कभी प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन कि तो इस तरह के वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो हमने वी हैड कंप्लीटेड द गुप्त तो उस पर किसी को कुछ डिफिकल्टीज है या कुछ पूछना है. अदरवाइज वी कैन मूव टू अनदर टॉपिक. हाँ टेंपल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन इलैबोरेटली आएगा ऑप्शन आ सकता है ऑप्शन में जैसे आपने तीन टाइप्स बताए आर्किटेक्चर के तो वो भी इलैबोरेटली प्रिपेयर करके रखना है कि थोड़ा सा इनको आई मीन आर्किटेक्चर तो उसके कैसे कि हमें तीनों भी आर्किटेक्चर के एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए.
आप कैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट द आंसर रिगार्डिंग द नगर आर्किटेक्चर, नगर आर्किटेक्चर के बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो यदि एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछा तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द गुप्त आर्किटेक्चर, मैं वहां से वो स्टार्ट कर दूंगा और धीरे धीरे उसमें वो रिफाइंस होते गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुप्त पीरियड में हम देखते हैं कि मोस्टली द रूफ ऑफ द टेम्पल्स वेयर फ्लैट, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि द रूफ्स ऑफ अ टेम्पल, रूफ्स ऑफ अ टेम्पल, रूफ्स ऑफ अ टेम्पल्स हम देखते हैं कि दे स्टार्टेड कि जो जो यही है कि वो जो फ्लैट रूफ छोड़ के हमने बाद में कैसे कि उसमें हमने जो कंस्ट्रक्शन है अलग तरह के कंस्ट्रक्शन ये चीज चालू किए, तो वहां से आप वो स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कैसे कि ऑप्शन जिनको ऑप्शनल है उनको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। तो कैसे मैं नगर के बारे में लिख रहा हूँ तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड में कुछ चेंजेस आए, बाद में हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के पीरियड में कुछ चेंजेस आए होंगे, या बाद में जो नॉर्थ इंडिया में जो भी ये हुआ है कि जैसे हम देखते हैं कि बंगाल में अलग तरह का आर्किटेक्चर बिल्डअप हुआ, बंगाल साइड में गुजरात के तरफ में अलग तरह का आर्किटेक्चर बिल्डअप हुआ, तो हम बाद में धीरे धीरे डिटेल में लेंगे। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा करके रखना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, कि जैसे नगर आर्किटेक्चर कैरेक्टर मैंने आपको कुछ बताया कि गुप्त पीरियड के फ्लैट उसका जो प्लेटफॉर्म होता था तो इट वॉज ए स्क्वेयर प्लेटफॉर्म ऑन ऑल फोर साइड्स देयर वेयर द स्टेयर केस, मोस्टली द आइडोल्स इम्पोज्ड इन द गर्भगृह वेयर मोस्टली द वरहा, क्योंकि उस टाइम पे नगर आर्किटेक्चर जो गुप्त पीरियड में द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड which was worship was वरहा, तो उसके वरहा के हमें images यानी जो idols मिलते हैं, even they were worshipping the Ganga, तो that we are decorated on the door of the temple architecture, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें लिखनी है वहां पे। तो लेकिन कैसे कि आपको जब नगर आर्किटेक्चर आप देखोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ नगर आर्किटेक्चर, कि जो इवोल्यूशन है नगर आर्किटेक्चर, तो वहां पे यदि नगर आर्किटेक्चर पे बड़ा क्वेश्चंस आता है ऑप्शनल हिस्ट्री में तो यू हैव टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन कि हम गुप्त पीरियड का है, हर्षवर्धन के पीरियड में कुछ चेंजेस हुए क्या, क्यों वो चेंजेस हुए, या बाद में कैसे कि रीजनल कैरेक्टरिस्टिक बिल्डअप हुए, दिस रीजनल कैरेक्टरिस्टिक बिल्डअप इट इज बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ दैट टाइम, कि वो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सोसाइटी, वो तो हम वो बाद में देखेंगे उस तरह से। तो आपको जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री उसको डिटेलिंग में वो इवोल्यूशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है? और कुछ पूछना है? नेक्स्ट टॉपिक इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में कुछ आइडियाज आपको, इसके टाइम पे कौन आया था चाइनीज रूलर्स हु हैड विजिटेड द हर्षवर्धन फोर्ट? हाइन केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, हाइन केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, हाइन चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, चंद्रगुप्त सेकंड Fahin came to India. Fahin came to India. Huan Sang. Huan Sang came during the period of Harshavardhan. कभी prelims में question आ सकते हैं आपको कि travelers है और किसके side में आए थे, ये भी आपको करके रखना है। उन्होंने कुछ किताबें लिखी है, जैसे मैंने आपको last time बताए थे कि Ptolemy, the geography, Pericles, the Erythraean, ऐसे आपको ये सब कुछ चीजें याद रखने हैं। तो फाइन केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ गुप्त डिनेस्टी, तो उससे क्या पता चलता है, व्हेन फाइन विजिटेड द इंडिया व्हाई डिड ही केम, व्हाई डिड ही कम टू इंडिया,
वो इंडिया में क्यों आया था? 5 Why did Fahil come to India? तो इसे पता चलता है बेसिकली ही केम टू इंडिया टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ऑफ बुद्धिज्म. फाइन केम टू इंडिया टू रीड और टू स्टडी द बुद्धिज्म इन इंडिया. सो इसे पता क्या चलता है कि बुद्धिज्म हैड रीच टू द चाइना. बुद्धिज्म हैड रीच टू द चाइना. सम पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म. सो इन द क्यूरियोसिटी Fahil visited to India to study the Buddhism. Then कुछ सालों के बाद, 200 सालों के बाद, 300 सालों के बाद, Husserl came to India. Again his purpose was to read the Buddhism, to read the original textbook, to read about the Buddhism. So in curiosity he came to India. And that time it was that route was very difficult. And China से India में आया, है ना? आज भी देखो वी नो टू मच अबाउट द अमेरिकन्स बट वी डोंट हैव टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइनीज पीपल. वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइना. चाइना के बारे में भले वी आर नेबर्स, वी हैव टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट द अमेरिकन पीपल, यूरोपियन पीपल, बट वी डोंट हैव. तो बेसिकली मेजर जो ऑब्स्टिकल दैट वॉज द हिमालयन हिल्स या माउंटेन्स की दैट अफेक्ट्स अवर मूवमेंट. तो बेसिकली क्या है कि जो जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी कभी आंसर लिखते हो इंडिया चाइना रिलेशन पे, हमेशा ये पॉइंट पे फोकस करो कि भाई भाई व्हाई डू वी हैव दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो बेसिकली we don't know about the Chinese psychology. Indian people don't understand the psychology of Chinese people. And Chinese people, this is for example, we fought one war with the China. That time Jawaharlal Nehru was prime minister. And on Chinese side, Mao was the, and conflict took place. There are many reasons for that. बहुत सारे reasons हैं. एक जो factors है कि जो हम कभी नहीं लिखते, तो आप लिखो कभी answer में यदि. तो basically क्या हुआ कि both were freedom fighters. Jawaharlal Nehru was freedom fighter. Mao was freedom fighters. But the background of Jawaharlal Nehru and the background of Mao was different. Jawaharlal Nehru got the independence through the peaceful way. Jawaharlal Nehru got the independence from Britishers through the peaceful way. Okay, we fought the civil disobedience movement, non-cooperation movement, Quit India movement. So it was a very peaceful movement. So that way, the nature of Jawaharlal Nehru or personality of Jawaharlal Nehru built up as a political leader. Barabar. On the other hand, aap dekho Mao. Mao had the background of a military. He fought with he liberated the China. भले वो अलग तरह से है, he liberated China with fighting with the other Chinese person. उसका नाम क्या था? हाँ, कोमितांग का जो लीडर था. तो basically आप देखो कि both leaders had the different background. तो basically personality and psychology of both leaders were different. Personality and psychology of both leaders were different because they came from the different background. So it was very difficult for them to communicate with each other. ये दोनों को जो communicate करना था, that तो ये जो points है आप कहना का introduction में या final conclusion में आप लिख सकते हो जब 1962 के बारे में यदि आप लिखोगे, या आज भी आप लिख सकते हो कि जो उनकी जो लीडरशिप है, they had the different types of political culture. Our leadership had different types of political culture. And because of that, there is always one gap. There is always gap, and that gaps create some problems to resolve the issue.
तो आप ये जो आंसर लिखोगे तो यू राइट द आंसर ऑन साइकोलॉजिकल लेवल कि पर्सनली आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप तो बाउंड्री इशू लिख रहे हो, इकोनॉमिक इशू लिख रहे हो, वो तो हमें इसमें मिल जाते हैं, लेकिन आप जब आप फाइनली यदि जीएस में भी लिख रहे हो तो कंक्लूजन इस तरह से करो, तो प्रॉब्लम क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट और देर इज सम कम्युनिकेशन गैप एंड कम्युनिकेशन गैप इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन लीडर्स टू कम्युनिकेट विद द अमेरिकन लीडरशिप बिकॉज बोथ हैव द डेमोक्रेसी, वी हैव बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट. लेकिन कम्युनिकेट इवन प्रॉब्लम इज विद द पाकिस्तान बिकॉज देयर लीडरशिप दे हैव द बैकग्राउंड ऑफ मिलिट्री, so they have the different agenda, they have the different psychology and our leadership have different psychology, so there is always some conflict crash or and so it is very difficult to resolve the issue. Personal level bhi hum dekh sakte hain, personal level pe bhi hum dekh sakte hain ki koi ek hi background ke log hain, if they want to resolve the issue it is very easy, but if both have a different background to it takes some time. तो आप इस तरह से आप तो अपना भी फ्रीडम लेके दीजिए, आप इस तरह से आंसर लिखोगे तो मार्क्स थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, तो उस तरह से सोचो आप कि पर्सनल टच भी दे सकते हो आंसर को. तो बेसिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड वी गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मटेरियल ऑफ ह्यूसंग. ह्यूसंग वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर, ही हैड द क्यूरियोसिटी एंड सो ही हैड विजिटेड and he stayed around 12 to 15 years in India. He spent 15 years in India, so lot of year he spent here. He spent some time at Nalanda University, learned lot of things, and he had recorded the lot of things, and he was responsible to spread the ideology of Buddhism in the China also. So is tarah se hame pata chalta hai ki isse pata chalta hai ki there was also curiosity in the minds of other peoples. तो इसके बारे में कभी आ सकता है questions. तो basically after the decline of Harshavardhan, after the decline of a Gupta dynasty declined in 550 AD, and then four different dynasty emerged in a different parts of India. So one dynasty emerged that is called the Gupta dynasty at Magar, and that dynasty did not have any relation with the earlier dynasty of a Gupta. ये जो पहली जो dynasty है उसके साथ इसका कोई relation नहीं था, but that dynasty was also called Gupta dynasty of a Magar. Then at a Maukhari emerged at a Kannauj. Kannauj एक side है, एक city है north India में. आप देखोगे दिल्ली से आप इधर जाओगे पाटलिपुत्र साइड में तो कन्नौज करके एक सिटी इमर्ज हुई थी, वहां पे मौखारीज इमर्ज हुए. देन एट थानेश्वर दिल्ली के ऊपर के साइड में वन डिनेस्टी इमर्ज दैट इज कॉल्ड पुष्यपुत्र डिनेस्टी जो हर्षवर्धन से रिलेटेड है. एंड एट गुजरात और एट वल्लभी इज एट गुजरात, वहां पे मैत्रक डिनेस्टी इमर्ज हुई. तो इस तरह से अराउंड फोर डिनेस्टी इमर्ज in different parts of North India after the decline of a Gupta dynasty. So, ठीक है, यहाँ से हम कल आगे देखेंगे हर्षवर्धन dynasty period देखेंगे उसमें क्या-क्या changes है socially, politically, economy. ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन.